क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थकी थकी, कभी कभी मुझे फीवर भी रहता है और कभी भी मुझे पीरियड आ जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। देखिए, अगर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हम रक्त प्रदर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, जिसे IMB भी कहा जाता है। डॉक्टर, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है ना? कुछ सिम्टम्स के इलाज किए जा सकते हैं, मगर कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स के बीच में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसा कि आपने किया। डॉक्टर, इसकी कोई वजह तो होगी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। गर्भाशय की वृद्धि की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर आप कोई टैबलेट कोई दवाई ले रही हैं उसका रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी मिस कैरेज होने की वजह से भी हो सकती है। योनि में सूखापन होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और हाँ, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कैंसर। कैंसर होने की स्थिति में भी ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। डॉक्टर, किस टाइम पे ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है? जैसे कि आप जानते ही होंगे, औसत जग 21 से 35 दिनों का होता है। अगर नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल पीरियड्स ही हैं। अगर डेट ऊपर नीचे हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पीरियड्स की डेट के बाहर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। डॉक्टर, मैं कभी कभी गर्भनिरोधक गोलियां भी लेती हूँ, कहीं इसकी वजह से तो नहीं? ये भी एक वजह हो सकती है। सिर्फ गर्भनिरोधक गोलियां ही नहीं, अगर आप गर्भनिरोधक उपकरण या फिर पैचिस यूज करती हैं, इससे भी ब्लीडिंग होने की संभावना है। यहाँ तक कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट या फिर इंजेक्शन भी यूज करती हैं तो उससे आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की संभावना है, जिसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो डॉक्टर, इस तरह की गोलियां लेने से क्या प्रॉब्लम आती रहेंगी? देखिए, ये देखा गया है कि किसी भी तरह की गर्भनिरोधक गोलियां लेने से शुरुआत के 3 महीनों में ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है, और हाँ, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये समस्या आना स्वाभाविक है। तो कोई इससे इन्फेक्शन हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, अगर गलत ढंग से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो प्रजनन अंग में इन्फेक्शन होने की संभावना है। और इसके क्या रीजन हो सकते हैं? STD तो आपको मालूम ही होगा, या फिर इंटरकोर्स की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर पेल्विक में सूजन आने की वजह से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्या कैंसर जैसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम केस में। कुछ रेयर रीजन भी होते हैं इसके, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या फिर डायबिटीज होना। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अगर ब्लीडिंग के साथ साथ आपको दर्द भी महसूस हो रहा है, जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना, वीकनेस, बुखार, तो आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत है। तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्लीडिंग को रोका ना जा सके, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड। ओवरवेट की वजह से भी एबनॉर्मल पीरियड्स होना स्वाभाविक है, इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। हाँ जी राजेश जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअली डॉक्टर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे तो देर क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं, और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है, फिर भी पिछले कुछ महीनों से मैं अपने शादीशुदा जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी संतुष्ट नहीं। पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देर से आए मगर दुरुस्त आए। मतलब ये कि आपने जैसा कि मुझे बताया
कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पैसा होने से ही लाइफ अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइफ के लिए आपकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है, जो शायद आपकी लाइफ में नहीं है। अरे किडिंग में डॉक्टर, अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, पता है मुझे ये सब। और आजकल के जमाने में तो ये सारी बातें छोटे बच्चों को भी मालूम है डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के छोटे बच्चे भी ये बात जानते हैं। लेकिन आप सेक्स तो करते हैं, लेकिन सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं क्या? आपको पता है कि आपकी वाइफ को क्या पसंद है या आपकी वाइफ को क्या नहीं पसंद है? क्या आपने अपनी वाइफ से कभी जानने की कोशिश की है, या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सेक्स करने के दरमियान आपकी वाइफ चरम सीमा तक पहुंच पाती भी है या नहीं? डॉक्टर, मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी चरम सीमा तक पहुंचे। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने कभी इस मामले में कोई शिकायत भी नहीं की। अब ये सच है कि हम लोग आपस में सेक्स के बारे में बातें बहुत कम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन आपको मेरी बातों का खुलकर जवाब देना, एक भी बात छुपाएंगे नहीं आप मुझसे। हाँ डॉक्टर, पूछिए ना। आप अपनी वाइफ को कितना समय देते हैं? मतलब खुले शब्द में कहूँ तो सेक्स करते वक्त आप कितना टाइम लेते हैं? यही कुछ 5 मिनट या इससे ज्यादा शायद ही कभी। मतलब एग्जैक्टली माय पॉइंट राजेश जी, समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या बोलिए डॉक्टर, एक्चुअली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, प्लीज जरा खुल के बताइए ना। दरअसल क्या है ना मिस्टर राजेश जी, महिलाओं का ऑर्गेज्म होने में थोड़ा वक्त लगता है और उनको उत्तेजित करने के लिए भी थोड़ा समय जाता है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे महिलाओं में जल्दी उत्तेजना पैदा की जा सके? आपको एक बात बताऊं राजेश जी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि महिलाएं पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा उत्तेजित होती हैं। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल है राजेश जी, पुरुषों में एक ही सेक्सुअली सेंटर है जो है पेनिस, लेकिन महिलाओं का तो पूरा शरीर ही सेक्सुअल यूनिट है। और ये एक रहस्य से कम नहीं है। समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे और उसके बाद आप सेक्स का पूरा आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसे समझ पाना क्या इतना मुश्किल है? एक्चुअली डॉक्टर मैं अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। आप टेंशन मत लीजिए राजेश जी, उत्तेजना पैदा करना कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। आपको अपनी वाइफ के साथ हर तरीके का ऑर्गेज्म पॉसिबल है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्स के दौरान आपकी वाइफ को सेक्स में क्या पसंद है और क्या नहीं, उन्हें कहाँ टच करना बहुत अच्छा लगता है और कहाँ नहीं। आप अपनी बातों से उन्हें ये जाहिर कर दीजिए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें चरम सीमा का आनंद दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बेड पे जाने से पहले, मेरा मतलब है कि संभोग करने से पहले, आपकी बातों में वो काम वासना दिखनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना राजेश जी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, वो मैं भी बात कम करता हूँ और मेरी वाइफ भी थोड़ी शर्मीली है। आपको पता है राजेश जी, महिलाएं डर्टी टॉक बहुत पसंद करती हैं और वो पुरुषों को कल्पनाशील समझती हैं। अगर आप डर्टी टॉक करने में कंफर्टेबल हैं तो क्यों ना बेडरूम में जाने से पहले थोड़ी बातचीत शुरू की जाए। और बेड पे जाने के बाद
बेड पे जाने के बाद अपने पार्टनर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। उनके नेक को बराबर स्पर्श करते रहें। आप उनको उतना उत्तेजित कर दें कि वो समझ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप उन्हें सेक्स का पूरा आनंद दे सकते हैं। डॉक्टर, मैंने सुना है कि किसिंग का प्राइमरी रोल होता है सेक्स के दरमियान, बट क्या किसिंग सेकेंडरी है? किस इतने मायने तो नहीं रखती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं को फ्रिक्वेंट और पैशनेट किस बहुत पसंद है, जिससे उनकी उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि महिलाएं किस से अंदाजा तक लगा लेती हैं कि ये मर्द मुझे चरम सीमा तक पहुंचा पाएगा या नहीं। और हाँ, कई बार सेक्स करते हुए आपके पार्टनर का अगर दिमाग भटक भी जाए तो आप किस करके उसे अपने साथ, मतलब सेक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये कह लीजिए कि किस से सेक्स में जनरेटर का काम करता है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से हम पॉर्न फिल्में देखते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, तो क्या महिला भी इसी तरह से उत्तेजित होती है? क्या है ना राजेश जी, महिलाएं थोड़ी शर्मीली किस्म की होती है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ बहुत शर्मीली है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पॉर्न फिल्में आज के टाइम में सभी लोग देखते हैं। महिलाओं को भी पॉर्न फिल्में देखना उतना ही पसंद है जितना कि पुरुषों को, लेकिन महिलाएं शर्म की वजह से उस बात को एडमिट नहीं करती। और हाँ, ये बात भी सच है कि जितने उत्तेजित मर्द लोग होते हैं पॉर्न फिल्में देखकर, उसी तरह औरतें भी पॉर्न फिल्में देखकर उत्तेजित होती हैं। तो ये सेक्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा डॉक्टर, फोर प्ले के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि सेक्स के लिए बहुत जरूरी है, क्या ये वाकई में इतना जरूरी है? अगर आप फोर प्ले करते हैं तो आप सेक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, और अगर सेक्स का आनंद ज्यादा उठाते हैं तो आप सेक्सुअली अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचते हैं। इसकी वजह से आप इंटरकोर्स करने से पहले ही अपने पार्टनर को चरम सीमा का आनंद दिला सकते हैं। डॉक्टर, मैंने ओरल सेक्स के बारे में बहुत सुना है, इनफैक्ट बहुत सारी पॉर्न फिल्मों में देखा भी है, तो ये क्या बहुत जरूरी है? ये सब कुछ हाइजेनिक तो है ना, कहीं किसी प्रकार का ये लोग व्हाटएवर से। बिल्कुल सही, मर्द लोग ओरल सेक्स तो करना चाहते हैं और अपनी वाइफ से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो लोग आप ही की तरह ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्या ये हाइजेनिक है। अगर ओरल सेक्स का आनंद लेना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को कोऑपरेट करना पड़े। लेकिन हाँ, मेरी एक सलाह है आपसे कि अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो आप दोनों को सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, सेक्स करने के पहले क्या किसी तरह की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए? अरे वाह राजेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सेक्स करने के लिए वो माहौल होना भी तो बहुत जरूरी है ना, मतलब आपका रूम साफ होना चाहिए, आपकी बेडशीट अच्छी होनी चाहिए, पिल्लो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे आपके पार्टनर को भी सेक्स करने में एंजॉय आए और आपको भी। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर, बिल्कुल सही। चलिए, मैंने आपको आज बहुत कुछ समझा दिया है, अब अगर कुछ और भी आपके दिल में है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे पास जितने सवाल थे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है, उम्मीद है कि अब मेरी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हम एकदम ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मेरी वाइफ पिछले 6 वीक से प्रेग्नेंट है और मुझे जानना था कि इसे ओरल सेक्स करने से कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ डॉक्टर, मैं सोच के घबरा रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या आपका पहला बच्चा है? जी। देखिए, पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में इस तरह के सवाल उठना लाजमी है, और जैसे कि ये आपका पहला बच्चा है तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। जी बिल्कुल। आप दोनों कितने अच्छे केयरिंग पेरेंट्स बन सकते हैं वो तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि आप दोनों अपनी खुशी को साइड में रखकर अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हैं। वैसे आप दोनों घबराइए नहीं, इस सिचुएशन में भी आप लोग ओरल सेक्स कर सकते हैं।
पर इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना? और इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच गया तो? चलिए मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल में समझाती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप अपने बच्चे के प्रसव के समय तक अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और सेक्स से मेरा मतलब है कि सभी तरीके का सेक्स, ओरल एंड एनल। पर हाँ, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान महिला में हॉर्मोन्स की हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको कुछ तकलीफें होने लगती हैं, जैसे कि नोजिया, बैक पेन, वजन बढ़ना, इस तरह की कुछ तकलीफें, जिसकी वजह से उनका सेक्स से मन उब जाता है और उनका सेक्स करने का मन बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है सेक्स ना कर पाने की। रही बात इन्फेक्शन फैलने की, तो वो तभी हो सकता है अगर आपके पार्टनर में कोई माउथ इन्फेक्शन हो, या फिर माउथ अल्सर हो, या फिर उनको जुकाम हो। इस केस में उनके थ्रू आप में वायरस फैलने का खतरा होता है। इस समय पर आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पार्टनर में एसटीआई है, तो भी ओरल सेक्स के टाइम पर उनके थ्रू आप में बैक्टीरिया फैलने का खतरा होता है, तब भी आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। इन दो केसेस के अलावा अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो ओरल सेक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ये तो अच्छा है, हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, अब जाके हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो डॉक्टर, इसमें कोई और भी सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें ओरल हाइजीन के बारे में, और इसके अलावा एक और चीज का खास ख्याल रखना जरूरी है। जिस वक्त आप ओरल सेक्स कर रहे हो, उस वक्त आप अपनी वाइफ की योनि में हवा ना फूकें, क्योंकि झटके से प्रवेश की गई हवा एक एयर बबल के रूप में उनके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है, जिसे हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वाइफ और आपके बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। और दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ प्री मैच्योर प्रसव में जा सकती है, तो आप ओरल सेक्स बंद कर दें। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी वाइफ ज़्यादा देर तक अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। डॉक्टर, आपने हमें एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताकर बहुत बड़ी हेल्प की है, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो मेरा फर्ज था। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ डॉक्टर। तो कहिए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी सेक्स नहीं कर पाता हूँ। मेरी वाइफ का कहना है कि मैं जज नहीं कर पाता हूँ और सेक्स के वक्त काफ़ी थक जाता हूँ, इरेक्शन ठीक से हो नहीं पाता हूँ, तो मूड बनाने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। अच्छा, तो आप शराब पीते हैं? जी हाँ डॉक्टर। देखिए, आपकी प्रॉब्लम की वजह तो आपको खुद ही मालूम है, अल्कोहल। बट अल्कोहल तो मूड बनाने के लिए होता है, उससे सेक्सुअल से लाइफ से क्या कनेक्शन है? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी शराब पीते हैं? मैं तो रोज ही शराब पीता हूँ और हर रात शराब पीता हूँ। मुझे ये भी पता है ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब तो मेरी आदत हो चुकी है। शायद आप नहीं जानते हैं कि शराब इंसान की सेक्स लाइफ को ख़त्म करने की ताकत रखती है। अगर आप एक ग्लास बियर पीते हैं, या फिर एक पैक वाइन पीते हैं, या कॉकटेल पीते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। हो सकता है कि वो आप में सेक्स की रुचि को बढ़ा दे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा समय से पी रहे हैं, या फिर उसके आदि हो चुके हैं, तो वो आपके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट को एक खतरनाक लेवल तक पहुंचा देती है। पर डॉक्टर, आखिर ये अल्कोहल करता क्या है? देखिए, अल्कोहल की वजह से आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, शराब की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप में उत्तेजना पैदा करता है और आपको चरम तक पहुंचाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और नसों में सेंसिटिविटी भी पैदा करता है, जो शराब की वजह से इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आप में काम उत्तेजना पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके लिंग तक ऑक्सीजन पहुँचाए, जिससे आपका इरेक्शन ठीक तरीके से हो पाएगा।
लेकिन अल्कोहल की वजह से आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और लिक्विड की कमी की वजह से या फिर सुस्त नर्वस सिस्टम की वजह से आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। डॉक्टर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो क्यों होगा? देखिए, अल्कोहलिज्म की वजह से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है जिससे आपके शरीर में ब्लड की कमी भी हो जाती है और एंजियोटेंसिन हॉर्मोन्स बढ़ जाता है जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जिम्मेदार है। एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं आपको, अगर आप बहुत समय से शराब पी रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, आप शराब के आदी हो चुके हैं, तो वो आपके ऑर्गेज्म में भी परेशानी खड़ी कर सकता है। आई सी। तो स्मोकिंग के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? आई मीन लंग कैंसर के अलावा और कुछ? जी हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग की वजह से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इरेक्शन होने के लिए आप में ब्लड के साथ साथ आपके लिंग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो स्मोकिंग की वजह से नहीं पहुंच पाती है। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है उसकी क्षमता को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है और आपके लिपिडो में भी कमी आ जाती है। डॉक्टर, मैं इसे छुटकारा कैसे पाऊं? देखिए, छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पहल करनी होगी। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा कि आपको सिगरेट और शराब से दूर रहना है। कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी होंगे लेकिन आपको कुछ एक्टिविटीज में खुद को झोंकना होगा जिससे आप विड्रॉल सिम्टम्स का सामना कर सकें। अपनी वाइफ के साथ बैठकर कुछ डिसीजन लीजिए। इसके अलावा आप योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, वेजिटेरियन डाइट्स, ये सब करके आप इसे छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जा सकते हैं। आई होप कि आप इन बुरी आदतों से जल्द बाहर आ जाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। जी हाँ डॉक्टर, मैं आपकी हर बात फॉलो करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा इससे बाहर आने की। Thank you. Welcome. All the best. Hello, Vinash. How are you? I'm fine, Doctor. Thank you. तो कहिए क्या तकलीफ है आपको? Doctor, मुझे erection के दौरान बहुत pain होता है। इतनी तकलीफ होती है कि मैं sex भी नहीं कर पाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखिए अविनाश, जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी problem जानने के लिए मुझे आपसे कुछ बातें जाननी होगी। थोड़ी personal है तो आप अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, इट्स ओके विद मी। गुड, तो ये बताइए कि आपको ये तकलीफ कब से है? आई मीन कि आपको पेन कब से हो रहा है? ऑलरेडी 3-4 महीने हो गया है। क्या आपको अपने पेनिस में कुछ फर्क नजर आ रहा है? आई मीन कुछ शेप में कोई फर्क, जैसे कि आपका पेनिस कर्व या फिर टेढ़ा हो गया हो, मतलब उसकी ओरिजिनल शेप बिगड़ गई हो? हाँ डॉक्टर, मैंने ये नोटिस किया है, साथ में ये भी नोटिस किया कि ऊपर का स्किन थोड़ा सख्त हो गया। जी हाँ, ये एक तरीके का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिसे हम पेरोनीज डिसीज भी कहते हैं। आमतौर पर तो देखा गया है कि ये पेनिस के ऊपर वाली स्किन पर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये पेनिस के साइड में और निचले हिस्से में भी हो सकता है। ये स्कार टिश्यू इतने सख्त होते हैं कि इसकी वजह से आपके पेनिस में लचीलापन या फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और जब आप सेक्स के दौरान उत्तेजित होते हैं तो आपका पेनिस सीधा या फिर इरेक्ट नहीं हो पाता है और आपको तकलीफ महसूस होती है। पर ये डॉक्टर अचानक ऐसे कैसे हो गया? क्या ये एसटीडी है? देखिए अविनाश जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, पेरोनीज डिसीज कोई एसटीडी नहीं है। और रही बात अचानक होने की, तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता और ना ही कोई रिसर्च से पता चला है। लेकिन हाँ, रिसर्च से ये जरूर पता चला है कि अगर आपके पेनिस पर कोई चोट लग जाती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और ज्यादातर देखा गया है कि 40 इयर्स से ज्यादा के लोगों को ये बीमारी होती है। 8-10% ये भी देखा गया है, जो लोग 40 साल की उम्र से कम है उन लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। जितना मुझे याद है मेरा कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह तो हुआ नहीं जिससे मुझे कोई चोट लग सकती है। और भी कुछ वजह हो सकती है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिले हैं,
लेकिन हाँ हो भी सकता है। इसके कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ये प्रॉब्लम हुई हो तो भी आपको हो सकती है। एक रीजन और हो सकता है, आपके पेनिस में आती हुई ब्लड वेसल से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो डॉक्टर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी तकलीफ हद से ज्यादा नहीं बढ़ी है या फिर आपके सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और तरीका या फिर कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। किस तरह की सावधानी है? देखिए, पेट के बल ना सोएं, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस के ब्लड वेसल पर दबाव पड़ सकता है। और हाँ, सेक्स के दौरान सावधान रहें, स्पेशली जब आपका पार्टनर आपके ऊपर हो, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस पर अकारण ही दबाव पड़ सकता है। और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाएं, जैसे कि विटामिन ई का इस्तेमाल करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहें, और हाँ, इनलीगल ड्रग्स और मेडिसिन से भी दूर रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है या उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पेनिस में पेन है तो फिर उसका आखिरी इलाज सर्जरी ही है। उसके लिए आपको अपने फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा। समझ गया डॉक्टर, मैं अभी से सारे प्रीकॉशंस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे आगे कंसल्ट कर लूंगा। श्योर, कभी भी आ सकते। सॉरी मिस्टर कमल, कल मुझे आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर। तो कहिए क्या परेशानी है आपका? डॉक्टर, मुझे कई दिनों से एक डाउट सता रहा है, तो बस उसी को क्लियर करने में आपके क्लिनिक आ गया। कौन सा डाउट? डॉक्टर, मुझे ये चीज पूछनी है कि ये सेक्स करने का टाइम कोई फिक्स है क्या, या फिर सेक्स कितनी देर तक करना चाहिए, या इजैकुलेशन कितनी देर में होना चाहिए? तो इसका मतलब सेक्स ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ। देखिए, सबके सेक्स ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप किस देश में रहते हैं, आपकी एज कितनी है, आप किस वेदर कंडीशन में रहते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस। ओके, तो वैसे सेक्स ड्यूरेशन होता क्या है? देखिए, सेक्स क्रिया में लिंग का योनि में प्रवेश से लेकर और इजैक्युलेशन के समय तक को हम सेक्स ड्यूरेशन कहते हैं। तो डॉक्टर, सेक्स से पहले का टाइम जो फोरप्ले वगैरह करते हैं, क्या वो भी इसमें शामिल होता है क्या? जी नहीं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो लोग सेक्स बहुत देर तक करते हैं या फिर उनका इजैक्युलेशन बहुत देर से होता है, और इस बात पर वो लोग गर्व भी महसूस करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सेक्स ड्यूरेशन हमारे मेडिकल टर्म्स में उस टाइम तक ही वैलिड है जब तक आप इंटरकोर्स करते हैं। तो फिर एक्चुअल सेक्स ड्यूरेशन को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? देखिए, इसके लिए आप स्टॉप वॉच यूज कीजिए, 3 अलग अलग टाइम पर इंटरकोर्स करके अपना टाइम काउंट कीजिए, उसी का एवरेज आपका सेक्स ड्यूरेशन माना जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे लगता है कि आजकल मुझे शीघ्र पतन होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए कमल जी, एक हेल्दी पुरुष का 3 से 7 मिनट का सेक्स ड्यूरेशन होता है, लेकिन अगर आपका इजेक्युलेशन 1 से 2 मिनट के अंदर हो रहा है तो आप इसे शीघ्र पतन मान सकते। देखिए, अगर आप सेक्स लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ इंजॉयबल हो आप दोनों के लिए, तो आप फोर प्ले का सहारा भी ले सकते हैं। जितना समय आप इंटरकोर्स में लगाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा समय अगर आप फोर प्ले में लगाएंगे तो अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि उस समय आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो आप 1 या 2 मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये आप दोनों पार्टनर को डिसाइड करना है कि फोर प्ले के दौरान आप किन किन बातों को आजमा सकते हैं। अगर आप इन बातों को आजमाएंगे तो आपका थोड़ा सा सेक्स ड्यूरेशन बढ़ सकता है, और ये आपके लिए अच्छा भी है। झगड़े होते हैं। That's not good.
अच्छा क्या आपने कभी अपनी पार्टनर के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस किया है? मैंने कोशिश की थी लेकिन वो कहती है उसका मूड नहीं होता और वो उसे अच्छा भी लगता है सब। वो तो यहाँ तक कहती है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, इसीलिए आपको डॉक्टर सलाह लेने आ गया हूँ। I can understand your problem। देखिए सौरभ, सेक्स की इच्छा होना या सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सेक्स तो एक हेल्दी क्रिया है और सेक्स एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकती है। सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख की चीज नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसको आपको वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। Really? जी हाँ, इसको हेल्दी क्रिया की तरीके से लेना है या फिर इसे एडिक्शन बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ समझा नहीं। नो इश्यूज, मैं समझाती हूँ आपको। किन्जी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक ये माना गया है कि 18 टू 29 ईयर्स के लोग साल में औसतन 112 बार सेक्स कर सकते हैं और 30 टू 39 के लोग सिर्फ 89 बार सेक्स करते हैं। ये एवरेज नंबर था जो हेल्दी भी माना गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज़्यादा सेक्स नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश है तो आप इसे रोज़ भी कर सकते हैं। Okay. यहाँ आपको ये नोट करना बहुत जरूरी है कि सेक्स हेल्दी और नॉर्मल तभी माना जाता है जब आप दोनों अपनी खुशी से इन्वॉल्व हों और इक्वली एंजॉय करें। पर सेक्स को ना एंजॉय करने वाला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक महिला और एक पुरुष के शरीर की बनावट में बहुत फर्क होता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वाइफ हमेशा ही लुब्रिकेटेड रहे। महिलाओं का वजाइना अक्सर सूख जाता है। सेक्स करते वक्त आपके लिंग की घर्षण की वजह से उनके वजाइना में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं की सेक्स में रुचि कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, इस फ्रिक्शन से कॉन्डम फटने का भी डर रहता है, जिसकी वजह से अनचाहे गर्भ की टेंशन भी हो सकती है। तो डॉक्टर, घर्षण को कम करने का कोई तरीका होगा? देखिए, इसके लिए आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि कॉन्डोम तो पहले से ही लुब्रिकेटेड होते हैं, लेकिन ये आप अपनी पार्टनर की खुशी के साथ कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर खुश होगा तो आपको सेक्स करते हुए शारीरिक सुख तो मिलता ही है, लेकिन इसके और भी फायदे हो सकते हैं। किस तरह के फायदे डॉक्टर? सेक्स करने से आपको अच्छी नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है और इस क्रिया से आपकी कैलोरीज बर्न होती है जो आपको एक फिट बॉडी देती है। और स्टडी से तो ये भी पता चला है कि जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनका हार्ट मजबूत होता है, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। वाओ, इसका मतलब मेरी वाइफ का मुझे सेक्स एडिक्ट कहना गलत है, इसे तो सब फायदे फायदे होते हैं। देखिए सौरभ, हर अच्छी चीज के साथ कुछ नुकसान भी जुड़े होते हैं, ये तो आप मानते ही हो ना। तो फिर सेक्स की भी? जी हाँ बिल्कुल, अगर सेक्स आपके दिनचर्या के आड़े आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्दी लाइफ के लिए एक इंजॉयबल सेक्स जरूरी है, लेकिन अगर आपका दिमाग हर वक्त सेक्स में है और कहीं और दिमाग नहीं लग पा रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेक्स के लिए इतना ज्यादा पागलपन होना हमारी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी या फिर सेक्स एडिक्शन। सेक्स की आड़ में आप अपनी रियल प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते। अगर आपको इमोशनल या मेंटल कोई भी इश्यू है तो आप उसका डटकर सामना कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर पर जबरदस्ती सेक्स थोपे। ओके डॉक्टर, आज मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मैं आज ही अपनी वाइफ से इस बारे में बात करूंगा। गुड, आप चाहें तो सप्ताह में 3 या 4 दिन तय कर सकते हैं सेक्स के लिए, इससे आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको हेल्दी एंजॉयबल सेक्स लाइफ भी मिलेगी। हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरे पेनिस का साइज जो है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, पेनिस का साइज पुरुषों के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है, फिर भी बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि पेनिस के ढीले होने की अवस्था में पेनिस की एवरेज लंबाई 2.8 से लेकर 3.9 इंच तक होती है और उसकी परिधि 3.5 से लेकर 3.9 इंच तक होती है।
पर पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उसकी एवरेज लंबाई होती है 4.7 से लेकर 6.3 इंचेस तक और उसकी परिधि होती है 4.7। पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके पार्टनर ने आपको कहा है कि आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। और तो और ऐसा है कि जैसे मैं जेंट्स टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को मिस्टर रवि, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा क्योंकि पुरुषों में पेनिस साइज सेल्फ एस्टीम की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी भी महिला से पूछ कर देखेंगे तो उनके लिए पेनिस साइज डज नॉट मैटर और आप अपने पार्टनर को सेक्स के इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी तरीके से खुश कर सकते हैं और उसको ऑर्गेज्म तक पहुंचा भी सकते हैं। रियली? पर महिलाओं को क्या पसंद है ये कैसे जाने? देखिए कभी कभी बड़ा पेनिस भी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उनका गर्भाशय ग्रीवा सेक्स के दौरान थोड़ा उभरा हुआ होता है और बड़ा पेनिस उस पर चोट करता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और दूसरी बात, महिलाओं का जी स्पॉट उनकी योनि के मुख से 2 इंच ही अंदर होता है, तो पेनिस की लंबाई के बजाय अगर उसकी परिधि अधिक हो या फिर यूं कह लीजिए कि उसका मोटापन अधिक हो तो महिलाओं को बहुत जल्दी ऑर्गेज्म तक पहुंचाया जा सकता है। बस बात यहीं आकर रुक जाती है कि आप अपने पार्टनर को फोर प्ले में कैसे सेटिस्फाइड करें। देखिए सिर्फ सेक्शुअल एक्टिविटीज ही नहीं बल्कि फोर प्ले भी सेक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप ओरल सेक्स या फिर फोर प्ले या फिर एनल सेक्स के द्वारा वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे बता सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स करने का पोजीशन कौन सा सही रहेगा? सेक्स प्रोसेस एक्चुअल सेक्स करने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, आपकी बातचीत से, आपकी नोक झोंक से आपका मूड क्रिएट होता है और जब आप फोर प्ले करते हैं तो वही मूड बदल कर उत्तेजना का रूप ले लेता है, उसके बाद सेक्स शुरू होता है। और अगर आप इन सब बातों में टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सेक्स करने की सोचते हैं तो बहुत अच्छा है और आपके लिए डॉगी स्टाइल या फिर वी स्टाइल दोनों पोजीशन ही ठीक रहेंगी। ओके, तो डॉक्टर कोई ऐसी बात है ध्यान में रखने के लिए जिससे कि मैं अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकूं? जी हाँ, आप पेनिस एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं और एक्सरसाइज करने से वो मसल स्वस्थ और फिट रहते हैं। जेल्किंग एक्सरसाइज से आपके पेनिस के साइज में बढ़त होगी और उसकी परिधि भी बढ़ सकती है। कार्डियो एक्सरसाइज करें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा और मजबूत कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आपको इरेक्शन में भी हेल्प करेगा। मोटापा ना बढ़ने दें, वेट पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी के अभी छोड़ दें। अगर आप अपने गले, लंग्स, हार्ट के लिए स्मोक नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम अपने पेनिस के लिए ही स्मोक छोड़ दें। और हाँ, हर दिन हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल, एक आपसे आखिरी बात पूछनी थी कि जेल्किंग एक्सरसाइज के अलावा किसी सर्जरी से पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए कुछ लोग फैट इंजेक्शन लेते हैं जो आपके पेनिस की शेप को बिगाड़ सकता है। सिलिकॉन इंजेक्शन बहुत ही घातक साबित हुआ है और डर्मल ग्राफ्टिंग से स्कार टिश्यूज बन सकते हैं जो आपके पेनिस को टेढ़ा कर सकता है। तो इसीलिए आप पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी ना करवाएं क्योंकि इसके आज तक कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए हैं और ना ही पेनिस को बढ़ाने के लिए कोई दवाई बनाई गई है। तो एकमात्र उपाय यही है कि आप जेल्किंग एक्सरसाइज ही करें, उसी से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं अभी से ही आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। हेलो डॉक्टर, आई एम पुनीत। हाय पुनीत, आप अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए? नहीं डॉक्टर, एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स थे जो मैं आपसे मिलकर क्लियर करना चाहता था, तो इसके लिए मैं अकेला आया। डाउट्स? मुझे क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि महिलाएं ऑर्गेज्म का नाटक करें? यू मीन फेक ऑर्गेज्म? जी हां भाई। हां ये पॉसिबल है डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी यही करती है।
चरम तक नहीं पहुंचने पर भी वो इसका दिखावा करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पुनीत, क्या आपको पता है कि 80% महिलाएं सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती हैं? ये तो मुझे पता नहीं, पर ऐसा क्यों है डॉक्टर? एक पुरुष और एक महिला के गुप्तांगों की अंदरूनी बनावट में काफी फर्क होता है। जहां एक पुरुष को चरम तक पहुंचने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, वहीं एक महिला को चरम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि महिला को चरम तक पहुंचाने वाली जी स्पॉट को सेक्स के दौरान उत्तेजित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप पारंपरिक सेक्स पोजीशन रखते हैं, तब तक एक महिला का ऑर्गेज्म ना के बराबर ही होगा। हाँ, अगर आप अपने पार्टनर को चरम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपनी सेक्स पोजीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। आपको ये जानना होगा कि आपके पार्टनर को किस पोजीशन में जल्दी से जल्दी ऑर्गेज्म हासिल होता है। अगर ऐसा था तो फिर मेरी वाइफ को मेरे को खुलकर बताना चाहिए था। ऐसे झूठे दिखावे से क्या फायदा? देखिए पुनीत, यहाँ आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई भी महिला बिना किसी वजह के झूठा दिखावा नहीं करती है। इसके पीछे भी कहीं ना कोई वजह जरूर होगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेज्म हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर एक महिला को ये लगता है कि उसका पार्टनर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका मूड खराब करना नहीं चाहती ये बोलकर कि वो चरम तक नहीं पहुंच पा रही है। कई बार तो वो डर और संकोच की वजह से नहीं बोल पाती है, खास करके भारतीय महिलाएं। उनको लगता है कि मेल ईगो को चोट ना पहुंचे, इसलिए वो झूठा दिखावा करना ज्यादा सही समझती है। एक और भी रीजन हो सकता है, महिला का मूड में ना होना। अगर महिला सेक्स के मूड में नहीं है तो वो इस क्रिया को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, चाहे उसे इसके लिए थोड़ा सा नाटक क्यों ना करना पड़े। अगर महिला को संभोग के दौरान पेन हो रहा है तो वो आपको ध्यान देना होगा। उसका चेहरा पढ़के ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि क्या उसको पेन हो रहा है, और अगर उसको पेन होता है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। समझ गया डॉक्टर, पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी वाइफ को भी ऑर्गेज्म का सुख मिले? आप अपनी वाइफ को सेक्स पोजीशन चेंज करने का चांस दें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि किस पोजीशन में उनके जी स्पॉट में उत्तेजना पैदा होती है, और अगर उनको पता चलता है तो उसी पोजीशन में आप सेक्स करें। जी स्पॉट के अलावा क्लिटोरिस में घर्षण से भी महिलाओं का ऑर्गेज्म हासिल किया जा सकता है। क्लिटोरिस को हम हिंदी में भगवानपुर भी कहते हैं। क्लिटोरिस से ऑर्गेज्म बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है, तो इसके लिए आप फोर प्ले के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप अपनी वाइफ के साथ इस विषय में बात करें और उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए। हर वक्त उन पर अपनी मर्जी ना थोपें। देखिए, एक मैरिड कपल में इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि एक वाइफ अपने पति के साथ खुलकर बात कर सके। आप उनसे बैठकर बात करें कि क्या उनका सेक्स के लिए मूड है या उनको पेन हो रहा है या नहीं। That's great, doctor. आज आपसे अकेले मिलकर ये सब बातें करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ आता तो शायद मैं इस सब आपसे नहीं पूछ पाता। I know, Puneet. लेकिन अगली बार किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले आप दोनों आपस में मिलकर बात करें। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए आप दोनों को बात करनी होगी, उसकी तह तक जाना होगा। अगर आप मिलकर बात करेंगे तो आपके बीच में ट्रस्ट बन पेगा, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर। हेलो, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? यस, शी इज माय वाइफ तनुजा मिश्रा। एंड आप हैं राघव हलवा। बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है आप दोनों में, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लगता है लव मैरिज भी है? जी नहीं डॉक्टर, अरेंज मैरिज है। अरे वाह, हाँ, आपने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। चलिए खैर छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ कैसे आना हो, कौन सी प्रॉब्लम में फंस गए हैं आप लोग? नहीं डॉक्टर। क्या हुआ बताइए, तुम पूछ लो ना। आप पूछिए, अब जब डॉक्टर के पास आ ही चुके हैं तो उनसे क्या छुपाना। अरे आप दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, बताइए क्या परेशानी है आप लोगों की। डॉक्टर, वैसे तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं,
और फिजिकल प्लेजर पाने के लिए भी हम नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात समझ नहीं आ रही? ओरल सेक्स टाइप समथिंग कुछ होता है क्या? आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ओरल सेक्स। कहिए क्या जानना चाहते हैं आप ओरल सेक्स के बारे में? मुझे लगता है कि ओरल सेक्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं, मतलब हाँ मालूम है हमें, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग पॉर्न फिल्म्स देखते हैं? जी कभी-कभी देखते हैं। ओके, तो अगर आप पॉर्न देखते हैं तो उसमें तो हमेशा ओरल सेक्स के बारे में दिखाया ही जाता है। मैं बता दूं, जब एक मर्द और एक औरत मुंह या जीभ के जरिए एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं उसे हम ओरल सेक्स बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इट्स सेफर सेक्स बट इट्स डेफिनेटली नॉट। डॉक्टर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको, ओरल सेक्स से आपकी लाइफ मजेदार तो हो सकती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। ओरल सेक्स से एसटीडी इन्फेक्शन जैसे कि हर्पिस, गनोरिया, साइफिस और थ्रोट कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यही प्रॉब्लम है डॉक्टर, हम दोनों कंफ्यूज थे कि कहीं से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, ये सेफ है भी या नहीं, हम दोनों ओरल सेक्स करें भी और इन सब इन्फेक्शन से बचा जाए, क्या ऐसा कोई उपाय है? मतलब आप इतनी सारी बीमारियों का नाम सुनने के बाद भी आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि क्या आप कॉन्डम यूज कर सकते हैं या फिर डेंटल डैम? डेंटल डैम एक बहुत ही पतले से प्लास्टिक का बना होता है जिससे वजाइना को कवर किया जाता है और ये बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है। वन क्वेश्चन डॉक्टर, जस्ट फॉर नॉलेज, क्या एचआईवी का भी डर रहता है ओरल सेक्स से? जी हाँ, इससे एचआईवी ट्रांसमिशन पॉसिबल है लेकिन बहुत ही कम रिस्क में। अगर आप ओरल सेक्स ले रहे हैं और जेनिटल एरिया में एसटीआई या घाव हैं या फिर आप ओरल सेक्स दे रहे हैं और जिसको आप ये ओरल सेक्स दे रहे हैं उनके मुंह में कोई घाव है या फिर कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आपने जो कुछ भी बताया, मुंह में घाव, ब्लीडिंग गम्स, वेजाइना में घाव या फिर पेनिस में घाव, अगर किसी भी महिला या पुरुष को ये सब हो तो क्या उसे ओरल सेक्स से वंचित रहना होगा? जी हाँ, अगर किसी भी औरत या पुरुष में ये सब बीमारियां हैं तो उन्हें ओरल सेक्स अवॉइड करना चाहिए, यही इन्फेक्शन के साइन है। मैं एक दो बार ओरल सेक्स करने का ट्राई कर चुका हूँ इनके साथ। डॉक्टर ये कोशिश तो पूरी करते हैं पर मुझे ये अजीब सा लगता है। देखिए पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, इसी तरह से ओरल सेक्स के बारे में भी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और डॉक्टर इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए औरत और मर्द अगर ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो उन्हें अपने गुप्त अंगों की सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। एक बात और बता दूं कि औरत की वजाइना का पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है और अगर पूरे पेल्विक एरिया की बात करूं तो 15,000 तंत्रिकाएं गुजरती हैं। मगर डॉक्टर ओरल सेक्स से इन तंत्रिकाओं वगैरह का क्या संबंध है? मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप ओरल सेक्स करें तो बहुत ही जेंटली तरीके से करना चाहिए, मतलब कि प्यार मोहब्बत के साथ। इसमें कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि जबरदस्ती करने से कई बार आपके पार्टनर को चोट लग सकती है और उससे आप दोनों ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ फ्रिजिडिटी का शिकार हो सकती है और आप नामर्दी का। कितने अच्छे से समझाती हैं आप, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हाँ डॉक्टर, हमारे सारे डाउट दूर हो गए। आप दोनों शादीशुदा हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है ये सब आपको पता है। बस मैंने तो आपको सही जानकारी दी है और अच्छी बात है कि आप लोग समझ भी गए। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन अगर कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से माइंड में, तो आप कभी भी आ सकते हैं।
हेलो रोहिणी, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। तो कहिए, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मैं इन दिनों एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। ये एक्ने कभी भी आ जाते हैं और अपने पीछे ये दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। डॉक्टर, मैंने कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाए, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इससे पहले कभी किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है? नहीं डॉक्टर, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी डॉक्टर के पास एक्ने की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। चलिए, तो अच्छा है कि आप यहाँ आ गए। एक्चुअली डॉक्टर, यहाँ आने की एक और भी वजह है। बताइए। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक्ने और सेक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक्ने और पिंपल्स होने की बहुत सारी वजह हो सकती है और इनमें से एक मुख्य वजह इनएक्टिव सेक्स लाइफ भी है। वो कैसे? रोहिणी, मैं आपको एक्ने के बारे में बहुत सारे रीजन बताऊंगी एक एक करके, और ये भी समझाना चाहूंगी कि सेक्स से एक्ने का क्या लेना देना है। एक्ने की मुख्य वजह है हमारे शरीर के अंदरूनी हार्मोनल इंबैलेंस और स्पेशली सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इंबैलेंस। त्वचा के नीचे स्थित सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि नमी देने के लिए तेल निकलता है, और वो हमारी त्वचा के अंदरूनी भाग में ही स्थित होते हैं। ये ग्लैंड्स चेहरे, पीठ, चेस्ट और कंधों पर ज्यादा होते हैं, और अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पोर्स चिपचिपे होकर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स में बैक्टीरिया पनपने लगता है, और यही एक्ने का मुख्य कारण भी है। और अगर ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इनकी मेन वजह है एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। कई लड़कियों में पीरियड से पहले बार बार मुहासे निकल आते हैं और वो बिगड़कर एक्ने का रूप ले सकते हैं, और इसकी मेन वजह है ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज्यादा स्राव। इससे आपकी स्किन पर छोटे छोटे दानों के गुच्छे बन जाते हैं। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले सीबम की वजह से आपके स्किन के अंदर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पनपने लगते हैं, और जब ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स स्किन के अंदर ज्यादा फैल जाता है तो कभी भी फूट सकते हैं, और इसी की वजह से आपके स्किन के बाहरी हिस्से में एक्ने पनपने लगता है। तो डॉक्टर, इस केस में क्या किया जा सकता है? देखिए, आमतौर पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सेक्स और संभोग से बहुत ही असरदार तरीके से एक्ने को कम किया जा सकता है, क्योंकि सेक्स आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस में रखता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि सेक्स की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो आपकी स्किन तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचाता है, जिससे आपकी त्वचा बहुत ही स्वस्थ और चमकदार बन जाती है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन नाम की एंटीबॉडी बढ़ जाती है, जो इम्यून सिस्टम को एक्ने बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। वाओ, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। डॉक्टर, इसके अलावा और भी कई रीजन है एक्ने होने के? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ और बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिन का बर्शन। हमारे जो पोर्स होते हैं वो पसीने के थ्रू टॉक्सिन को बाहर फेंकते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिन बढ़ जाता है तो हमारे पोर्स भी उनको बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। और हाँ, इनकी और भी वजह हो सकती है, जैसे कि स्किन एलर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा तनाव होना, जंक फूड खाना, सैचुरेटेड फैट हो जाना प्रदूषण की वजह से, कुपोषण होना, या फिर किसी भी दवाई की वजह से आपको साइड इफेक्ट हो जाना। फिर तो डॉक्टर, आप मुझे इनसे बचने के तरीके बताइए प्लीज। जी हाँ, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो एक्ने की प्रॉब्लम बहुत जल्द ही आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे कि अपने खाने में आपको मसाले कम खाइए, मीठा कम खाइए, फैट वाली चीजें कम लीजिए, ऑयली चीजें मत खाइए, जिनमें फाइबर ज्यादा होता है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें, और हाँ, जैसे कि सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स में जिंक ज्यादा होता है, जो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड के अलावा आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। आप अपनी त्वचा को अच्छे से धोएं, जिससे कि ऑयलीनेस दूर रहे। हर्बल साबुन का यूज करें, अपने बालों में डैंड्रफ ना होने दें, मेकअप कम से कम करें, और अगर कभी मेकअप करना भी है तो आप वाटर बेस्ड मेकअप का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से दूर रहें, 15 मिनट के लिए धूप जरूर सेकें, एक्सरसाइज करें और 8 घंटे की नींद जरूर लें। मुझे लगता है कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी।
लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप जल्द से जल्द किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज तो बहुत सारी बातें मुझे पहली बार पता चली। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। नहीं डॉक्टर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करूंगी और अगर मुझे कोई डाउट फिर से लगेगा तो मैं दोबारा जरूर आऊंगी। बिल्कुल जरूर आना। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए कि कैसे आना हुआ, क्या तकलीफ है आपको? मेरी वाइफ को लगता है कि मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो चाहती है कि हम सेक्स के बाद भी थोड़ा प्यार भरी बातें करें। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना? बात तो अच्छी है, पर सेक्स के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। मैं चाहकर भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। डॉक्टर बस यही जानने आया हूँ कि ऐसा होना कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है ना? नहीं गुप्ता जी, ऐसा होना एबनॉर्मल नहीं है। ज्यादातर पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है कि सेक्स के बाद उन्हें नींद आ जाती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके कुछ रीजंस तो होंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसके रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। इसका इजी एक्सप्लेनेशन है कि आजकल लोग बहुत ही तनाव भरे माहौल में जीते हैं और तनाव से निकलने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो जरूर चाहिए और सबसे इजी माध्यम है सेक्स। सेक्स एक बहुत ही अच्छे तरीके की एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप तनाव से भी बाहर आ सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। पर इस थकान के और भी कई रीजन हैं, जैसे कि कुछ हैं साइंटिफिक रीजन। पुरुषों में सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स पुरुषों में आराम का अनुभव दिलाते हैं जिसकी वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। और वैसे भी संभोग के समय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कैलोरीज ज्यादा खर्च होती है जिसकी वजह से उनके शरीर में थकावट महसूस होती है और पुरुष सोना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर तो डॉक्टर सेक्स के बाद नींद आना एक अच्छी बात है। जी हाँ बिल्कुल, सेक्स में ऑर्गेज्म के बाद हार्मोन्स का रिलीज होना एक अच्छा साइन होता है और इसका मतलब ये है कि आप में सेक्स संबंधित कोई भी बीमारी नहीं। अगर आपको सेक्स के बाद नींद आती है तो इसको आप गलत तरीके से ना लो। वही तो, जब मैं इतना थक जाता हूँ तो अपने आप नींद आ जाती है, तो ये बात मेरी वाइफ समझती ही नहीं है। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गुप्ता जी आप। मैं मानती हूँ कि सेक्स के बाद आपका शरीर आराम चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये थकावट बहुत ज्यादा देर तक महसूस नहीं होती है, बल्कि ये थकावट सिर्फ तब तक महसूस होती है जब तक आपकी बॉडी का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाता। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आपकी बॉडी को री एनर्जाइज करने का काम करता है और जिसकी वजह से पुरुष अगर चाहे तो थोड़ी देर के लिए अपनी नींद को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा करने के लिए आप अपना ध्यान अपनी वाइफ की तरफ लगा सकते हैं और जैसे कि आपकी वाइफ तो चाहती ही है कि सेक्स करने के बाद आप उनसे प्यार भरी बातें करें, उन्हें अटेंशन दें, तब तक आपके शरीर की थकावट भी दूर हो जाएगी और आपकी वाइफ की शिकायत भी। पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। देखिए गुप्ता जी, सच कहूं तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आपके दिमाग पर आपका कितना कंट्रोल है। अब अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपको थकान भी कम महसूस होगी और आपके पूरे दिन का शेड्यूल भी पॉजिटिव नोट पर जाकर खत्म होगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपको थकान कम महसूस होगी और फिर देखिए कि आपकी वाइफ भी खुश रहती है और आप भी कैसे फिट रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सजेशन को फॉलो करने की। थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, बट एक अजीब सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कैसी प्रॉब्लम, आप बेझिझक बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर, सेक्स के समय मेरा पेनिस ठीक से इरेक्ट होता है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता है तो एकदम छोटा हो जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। मुझे उसे बार बार खींच बाहर करना पड़ता है, मैं अनकंफर्टेबल सा महसूस करता हूँ। जब मैं मॉल या ऑफिस के टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।
देखिए आपकी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टर्टलिंग ऑफ पेनिस, मतलब जैसे एक कछुआ अपनी गर्दन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम की वजह से पेनिस भी बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है जब वो ढीला होता है। पर ऐसा होने की क्या वजह है डॉक्टर? आपको इरेक्शन ठीक से होता है या फिर इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं डॉक्टर, मेरा सेक्स लाइफ बिल्कुल ठीक है और इरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पेनिस ढीला रहता है तो बॉडी के अंदर चला जाता है। इंसान का शरीर अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है और टर्टलिंग भी एक ऐसा ही तरीका है पेनिस को सुरक्षित रखने का और संभोग के समय इसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे इसको सुनिश्चित करने का। और दूसरी बात ये है कि टर्टलिंग तब बहुत ज़्यादा होता है जब आपके पेनिस में ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुँच रहा हो, जिसकी वजह है कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज ना करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कमज़ोर हो जाना। और ये ऐसी अवस्था है जब लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और वो आपके शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है वहाँ पर ऑक्सीजन पहले भेजते हैं और लिंग सबसे बाद में आता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो क्या बस यही वजह है मेरे इस कंडीशन की? जी नहीं, टर्टलिंग की और भी कई वजहें हो सकती हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप जेल्किंग एक्सरसाइज करते हैं? जेल्किंग? ये क्या होता है? लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसे ही जेल्किंग एक्सरसाइज कहते हैं। जी हाँ, मैं इंटरनेट पर देख खुद ही कोशिश करता हूँ। तो क्या ये आप काफी टाइम से कर रहे हैं? जी। ओके, तो मैं अब आपको टर्टलिंग की वजहों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि अगर आपने अपने लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए ओवर एक्सरसाइज की हो या फिर बहुत रफ एक्सरसाइज की हो तो ये भी बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आपने बिना वार्म अप किए ओवर एक्सरसाइज की या फिर रफ एक्सरसाइज की तो वो आपके लिंग को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको वार्म अप की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपके लिंग की एक्सरसाइज के लिए भी लिंग को वार्म अप की ज़रूरत होती है। जेल्किंग एक्सरसाइज करते समय अगर आप लिंग पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिंग को नुकसान पहुँच सकता है। और इसी से बचाने के लिए आपका शरीर टर्टलिंग मैकेनिज्म को अपनाकर आपके लिंग को सुरक्षा देता है। मोटापा भी एक टर्टलिंग प्रॉब्लम की वजह हो सकता है, लेकिन अगर पुरुष का स्टमक फैट कम हो जाता है तो पेनिस अपने नॉर्मल साइज में खुद आ जाता है। और एक और वजह भी हो सकती है कोल्ड वेदर, लेकिन अपने देश का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आपके केस में इसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो फिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहली बात, आपको हफ्ते में 3 बार रनिंग और जॉगिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके लंग्स ठीक रहेंगे, और अगर आपके लंग्स ठीक रहेंगे तो वो आपके पेनिस तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे जिससे आपको टर्टलिंग प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप किसी तरीके के मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके केमिकल की वजह से भी टर्टलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाइयों के बारे में जानें। आप अगर जेल्किंग करते हैं तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी टर्टलिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप कुछ समय के लिए जेल्किंग करना बंद कर दें जिससे आपके लिंग को थोड़ा वक्त मिलेगा रिकवर होने में। अगर आप बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो वो बंद कर दें, क्योंकि ज़्यादा मेस्टर्वेशन से आपके लिंग पर नुकसान पहुँच सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स ना पहने, टाइट अंडरवेयर ना पहने, ढीले ट्राउजर पहने, हो सके तो बॉक्सर पहने। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो वो बंद कर दें, उसके बदले में आप ग्रीन टी पिए। ये सब बातें अगर आप करते हैं तो फिर देखिए कि बहुत जल्द आपको टर्टलिंग की प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं समझ गया डॉक्टर, आपकी बातों से मुझे बहुत सारी नई जानकारी मिली। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पता नहीं डॉक्टर, इनके टेस्टिकल में क्या प्रॉब्लम हो गई है जो इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप बताइए ना। डॉक्टर, मेरी लेफ्ट टेस्टिस में लंप सी बन गई है और जो अंडकोश की जो थैली है उस वो सूज सी गई है।
और हल्का हल्का दर्द भी होने लगा है। ये लंप आपको कब से महसूस हो रहा है? डॉक्टर मैंने ये एक साल पहले देखा था, उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इसको, और अभी देखा तो ये थोड़ा बढ़ सा गया है। क्या आप सेक्स ठीक से कर पाते हैं? आई मीन सेक्स के वक्त कोई बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होता ना? हमारी सेक्स लाइफ तो ठीक थी, दो तीन हफ्तों से इनका दर्द बढ़ गया और इनके लंब की साइज बढ़ गई, इसलिए हम आपके पास आए डॉक्टर। आपके अंडकोश के साइज में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, अंडकोश तो जैसे थोड़ा श्रिंक हो गया है। देखिए, ये तो आपके पूरे चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सब क्या है, लेकिन जो सिम्टम्स आपने मुझे बताई हैं, उससे तो यही लगता है कि आपको वेरिकोसील हुआ है। वेरिकोसील? ये क्या होता है डॉक्टर? अगर आपके अंडकोश में मौजूद वेन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं। इन वेन्स को पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। वेरिकोसील सिर्फ अंडकोश में ही होता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म बनने की क्षमता में कमी आ जाती है और स्पर्म की क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है, और कुछ केसेस में तो पुरुषों में नपुंसकता तक आ सकती है। डॉक्टर, पर ये बीमारी मुझे होने की क्या वजह है? देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, वेरिकोसील बहुत ही कॉमन कंडीशन है। 15-20% पुरुषों में ये नॉर्मल पाई जाती है। जब आपके अंडकोश में मौजूद वेन्स के थ्रू ब्लड सही तरीके से आपके हार्ट में वापस नहीं आ पाता है तो ये उसमें सूजन पैदा कर देता है। वेरिकोसील होने की एग्जैक्ट वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे बनती है और बढ़ती चली जाती है। इससे जान का खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? बिल्कुल नहीं, कई केस में वेरिकोसील बिना इलाज के ही ठीक हो जाती है, इसीलिए इसे जानलेवा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका इलाज तभी करवाना चाहिए या तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो या फिर आप में नपुंसकता आ गई हो, और इलाज के लिए सर्जरी करानी होती है, जिसे हम वेरिकोसिलेक्टोमी कहते हैं। तो डॉक्टर, मुझे सर्जरी करानी होगी? सबसे पहले तो आपको अपने फिजिकल टेस्ट करवाने होंगे, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आपको वेरिकोसील है भी या नहीं, क्योंकि टेस्टिकल में तो और भी वजहों से पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपके फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट को उन सारी वजहों को रूल आउट करना होगा, और हाँ, एक अल्ट्रासाउंड करके आपके टेस्टिकुलर कैंसर का भी पता लगाना होगा। कैंसर? जी हाँ, कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर होने के केस में भी आपके टेस्टिकल्स में पेन और सूजन हो सकती है, और आपके अंडकोश में एबनॉर्मल बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए कैंसर की संभावनाओं को क्लियर करना आपके खुद के लिए ठीक होगा। लेकिन ये टेस्टिकुलर कैंसर बहुत ही रेयर है, इसके लिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओके डॉक्टर, फिर तो हम फिजिकल टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी इलाज स्टार्ट कर सके। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जल्द से जल्द करवा लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप जॉक स्ट्रैप पहनते हैं तो पेन से भी रिलीफ पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। जी कहिए, क्या परेशानी है आप दोनों की? डॉक्टर साहब, परेशानी मुझे नहीं, इन्हें है। बोलो ना, क्या परेशानी है? डॉक्टर, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हो गया हूँ, और अब समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाऊं। बोलिए, जब तक आप अपनी परेशानी मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं कैसे इसका सलूशन आपको बता पाऊंगी? एक्चुअली क्या है कि मुझे अस्थमैथुन की आदत है, और शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता था, मगर अब ये किसी बीमारी से कम नहीं है। देखिए, मास्टरबेशन को भयानक और गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए, ये तो कॉमन है आजकल के दौर में, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, 14 साल की उम्र से ही हस्त मिथुन का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनकी तो इस आदत से रुचि कम हो जानी चाहिए, तो फिर रुचि कम क्यों नहीं हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिन लोगों के पास सेक्स पार्टनर है या जो शादीशुदा है, वो लोग भी करते हैं। नेशनल स्टडी के मुताबिक 95% पुरुष और 89% महिलाएं हस्त मिथुन के शिकार हैं। जी, एक्चुअली हमारी शादी को 3 साल हो गए, और शादी के पहले मैं हस्तमैथुन करता था, और
शादी के बाद धीरे धीरे मेरी आदत पूरी तरह ख़त्म होने लगी थी, मगर पिछले 6 महीनों से ये आदत फिर मुझे लग गई है और वो बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे सेक्स करने से ज़्यादा अच्छा हस्तमैथुन में लगता है। देखिए क्या होता है कि काफ़ी हद तक लोग जवानी तक ही हस्तमैथुन करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे ऑल लाइफ यूज करने लगते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से मेरी सेक्सुअल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे रिश्तों में खटास आ रही है, तो इससे तो मुझे निजात पाना है। देखिए ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बल्कि आप इसे बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं, मगर शर्त ये है कि अगर आप इसके आदि नहीं हैं तो। बस आपको करना ये होगा कि जब भी आपका दिमाग हस्त मिथुन की तरफ जाए तो आपको संभोग करना चाहिए। आप लोगों को एक साथ खुश रहना चाहिए। आप दोनों की लाइफ में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें, और खास तौर पे आप अपने पति की इस आदत को छुड़ाने में इनकी मदद करें। कामुकता वाले चित्र और फिल्में अकेले नहीं देखें, बल्कि साथ में बैठकर देखें। देखिए जनरली मास्टरबेशन नेचुरल और हार्मलेस होता है, बस इसे आप अपनी आदत न बनाएं, क्योंकि आदत तो किसी भी चीज की खराबी होती है। पर इसे तो समाज में अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ, कुछ कल्चर और कुछ रिलीजन्स मास्टरबेशन को अपोज करते हैं। कुछ लोग तो इसे पाप और अधर्म तक मानते हैं, लेकिन आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वीकली 8 से 10 बार मास्टरबेशन करना बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसका असर आपकी सेहत पर भी दिखने लगता है। असर? डॉक्टर साहब कैसा असर? अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आपके नी, एल्बो जॉइंट बूढ़े लोगों की तरह हो सकते हैं, आपके गाल अंदर जा सकते हैं, आपको झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, आपके फेस पर ब्लैक डॉट्स नज़र आने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी मेमोरी पावर भी कम होने लगती है, और आप अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान नहीं दे पाते। डॉक्टर, क्या इससे वीकनेस ही बढ़ सकती है? जी हाँ, और आपने तो सुना ही होगा जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उन लोगों का कोच उन्हें मास्टरबेटिंग करने से मना करता है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग जिमनास्टिक, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स करते हैं उन लोगों को एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मगर मास्टरबेटिंग करने से उनकी एनर्जी और स्टेमिना दोनों कम होते हैं। और हाँ, जो लोग ज़्यादा मास्टरबेटिंग करते हैं उनको सुबह उठने के बाद बैक पेन भी महसूस होता है, जिसकी वजह से नर्वसनेस और हाथों में शिवरिंग भी होना शुरू हो सकता है। डॉक्टर, इसी इतना सा पड़ सकता है? ये तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से कम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत कम लोग ये जानते हैं 1 drop of sperm 100+ blood drop के बराबर होता है, और 1 drop blood 1 apple के बराबर। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1 drop sperm बनने में 4 से 8 दिन लग जाते हैं। अगर आपको इसके बाद भी किसी जानकारी की जरूरत हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ जी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, वो क्या है ना, मैं और मेरे पति एक परेशानी में गिरफ्तार हैं। तो बताइए क्या परेशानी है आप लोगों को, लेकिन सब कुछ खुलकर बताइएगा, कुछ भी छुपाइएगा मत। क्या है ना डॉक्टर, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर जब से मेरे गुप्ताहों में दर्द रहने लगा है, इनके पास आने पे मैं इनको मना कर देती हूँ, और ये हमेशा जिद करते हैं, मैं हमेशा इनको इनकार कर देती हूँ, और इसके कारण इनको लगता है कि मैं इनको धोखा दे रही हूँ और मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। तो आप अपने पति को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? डॉक्टर, डर लगता है अगर मैंने इनको सच बता दिया और शायद ये कोई खतरनाक बीमारी समझ के मुझे छोड़ दिया तो। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके गुप्ताहों में कुछ स्मेल वगैरह? जी डॉक्टर, हल्की सी स्मेल और दर्द रहता है। देखिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि आपको जो आपकी पत्नी से शिकायतें हैं वो एकदम बेबुनियाद है, एकदम गलत है। इनके बदमाशों में कुछ रेशे चिपक गए हैं जिसकी वजह से वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाते और आपसे दूर भागते हैं। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करके वो रेशे निकाले जा सकते हैं।
लेकिन अगर वो रेशे ना निकाले गए तो आपकी पत्नी फ्रिजिडिटी का शिकार हो सकती है। डॉक्टर ये फ्रिजिडिटी क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। औरतों में सेक्स की इच्छा कम होना या बिल्कुल ना होना, इसे मेडिकल लैंग्वेज में फ्रिजिडिटी बोलते हैं, मतलब ठंडा होना, और आपके केस में यही है। इस वजह से औरतें अपने सेक्स में आखिरी चम तक नहीं पहुंच पाती और मर्द लोग उनमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। इस वजह से लोगों के घर खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों में सेक्स की इच्छा ही नहीं है, वो सेक्स करना ही नहीं चाहती, या वो ठंडेपन होने का ढोंग कर रही है। नहीं, इसके लिए कोई मजबूरी भी हो सकती है, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम, उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वो मर्दों को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन मर्दों को ये सोचना होगा कि औरतें कभी सेक्स से भागना नहीं चाहती, वो ठंडेपन होने का ढोंग नहीं करती हैं, जरूर इसमें कोई मजबूरी है। उनकी शारीरिक प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी पत्नी के साथ हुआ है, उनके गुप्त अंग में दर्द होना, लेकिन मर्द लोग ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाते। लेकिन डॉक्टर ये भी तो हो सकता है कि फ्रिजिडिटी जो है वो दिमाग में हो गया हो, और अगर हम आपस में बातचीत करके इसे सॉल्व करना चाहें तो शायद सॉल्व भी हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा भी होता है, औरत का ठंडापन और आदमी की नामर्दी दोनों एक ही रीजन है, दिमागी बीमारी जो लोगों के दिमाग में शुरू से ही डाल दी जाती है कि सेक्स से दूर रहे, सेक्स की बातें ना करें, जो लोग सेक्स की बातें कर रहे हैं वो लोग बदतमीज हैं, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में पहले ही डाली जाती हैं, इसीलिए औरतें फ्रिजिडिटी की शिकार हो जाती हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि किसी लड़की की किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर दी जाए जिसे वो पसंद ही ना करती हो, जिसके साथ वो खुश ही ना हो, उस सिचुएशन में भी लड़की फ्रिजिड हो जाती है, और फ्रिजिड औरत कभी भी सुखी परिवार नहीं बना सकती। एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती, वो अपना दुख अपना दर्द अपनी बेटियों को दे जाती है, उन्हें सिखा जाती है कि सेक्स गंदी चीज़ है, सेक्स के बारे में बात करना एकदम गलत है, इसीलिए उनकी लड़कियां भी फ्रिजिड हो जाती हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इंसान की शारीरिक बीमारियां शारीरिक तकलीफ भी उनको फ्रिजिड बना देती है, और आपके केस में ऐसा ही कुछ है। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, मैं आपकी वाइफ का छोटा सा ऑपरेशन कर देती हूँ, ये 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे आप मुझसे, कुछ और है आपके दिल में? नहीं डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आई एम ऋषभ। हेलो ऋषभ, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, लेकिन आजकल मैं एक बहुत बुरी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, पता नहीं आपसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखिए मिस्टर ऋषभ, अपने डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, और जब तक आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी परेशानी का सलूशन निकालूंगी। जी डॉक्टर। तो बोलिए फिर। डॉक्टर मैं 26 साल का हूँ, पिछले 10 साल से मैं हस्तमैथुन करते आ रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैंने मास्टर वेशन छोड़ दिया, लेकिन कुछ महीनों से मेरा नाइट में डिस्चार्ज आता है और कभी कभी दिन में भी हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए इस बारे में आपसे बात करना है। आपकी परेशानी को हमारी भाषा में नाइटफॉल कहते हैं, यानी कि स्वप्न दोष। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कोई सोने से पहले उत्तेजक फिल्म या फिर कोई फोटोग्राफ्स देखते हैं क्या? डॉक्टर रेगुलर तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी नेट पे वीडियो देख लेता हूँ। देखिए सपने में सेक्स संबंधित दृश्य देखने से गुप्तांग में उत्तेजना पैदा होती है, जिसकी वजह से शुक्राशय में इकट्ठा हुआ वीर्य निकल जाता है, जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। डॉक्टर इसका कोई और भी कारण हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसका एक कारण कब्ज भी हो सकता है, कब्ज की वजह से मलाशय में मल का सड़ जाना। डॉक्टर ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हो रही है, मुझे तो कब्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आप ही को है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर पुरुष ने कभी ना कभी एक बार एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को कब्ज की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ कब्ज भी एक कारण हो सकता है। तो फिर इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? देखिए इस स्थिति में पेशेंट को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पेट को साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाएं, और अपने गुप्तांगों को साफ रखें, और हाँ दूसरी बात अपने दिमाग को पूरी तरीके से साफ रखें,
जब तक आपका नाइटफॉल का इलाज नहीं हो जाता है तब तक कामुक सोच से दूर रहिए। तब तक आप मास्टरबेशन ना करें, उत्तेजित करने वाली वीडियो या फिर चित्र बिल्कुल ना देखें। कब्ज़ तो ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा, पर दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन दिमाग को स्थिर रखने के लिए आपको और किसी एक्टिविटीज में ध्यान देना होगा, जैसे कि मेडिटेशन करें। नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत सही तरीका है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, अच्छा और पौष्टिक आहार खाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, रिलैक्सेशन के लिए अरोमा ऑयल से आप बबल बाथ भी ले सकते हैं, बादाम वाला दूध पिएं, दही खाएं, ठंडे पानी से नहाएं, ठंडी दही खाएं, और हाँ सबसे ज़रूरी बात कि सोने से पहले अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें, फिर देखिए कि आपकी ये परेशानी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। एनी मोर क्वेश्चन? नो डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आज से इस पे अमल करूँगा। थैंक्स अ लॉट। अगर कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। श्योर। अच्छा तो आप हैं सपना जी? जी डॉक्टर। अब आपको मिस कहूँ या मिसेस? आपके सवाल से लगता है कि अभी मैं अनमैरिड दिखती हूँ। सही तो है। अरे एकदम से कहाँ खो गई सपना तुम? क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कि मैं कैसी दिखती हूँ जब अपना नसीब ही खराब हो तो? तुम्हारे जैसी जनरेशन वाली लड़कियां मेरे यहाँ आकर इस तरह की बातें, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ? डॉक्टर हमारी लव मैरिज हुई है, शादी से पहले हमारे बीच में सब कुछ सही था, हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था शादी से पहले, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये संबंध हमारा रिश्ता खराब ना कर दे। फिर भी क्या, मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताओ। डॉक्टर अभी मेरी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और मेरे पति ने मुझ में रुचि लेनी बंद कर दी है। ऑफिस से देर से आते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं और मुझे तो लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं उनकी लाइफ में। तुम्हारी परेशानी बिल्कुल जायज है, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ना गलती तुम्हारी है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की, बल्कि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे पति तुमसे खुश क्यों नहीं है, उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये जानना तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। डॉक्टर वो मेरे द्वारा किए गए हर काम की तारीफ करते हैं, कभी भी किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालते सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? देखो सपना, तुम्हें मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। डॉक्टर मेरे पति मेरे साथ बेडरूम में होते हुए भी नहीं होते, वो मुझसे बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उखड़े उखड़े से रहते हैं, और हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो सिर्फ नाके बराबर है, वो मुझसे दूर दूर से भागते हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही कुछ है? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं? डॉक्टर कभी इन्होंने कोई कमी तो नहीं निकाली और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की, मगर शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागते हैं, बात नहीं करते। संबंध बनाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो अधूरे रह जाते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और वो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम अपने अंदर कमियां ना ढूंढ लो। डॉक्टर मगर मुझे क्या, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, मगर शारीरिक संबंध बनाते समय ज्यादा रोल तो मर्द ही प्ले करता है। बस यही तो कमी है हमारे समाज की औरतों की, वैसे तो बोलती हैं कि मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और जब कदम मिलाने की बात आती है तो औरत होने का ठोंग करने लगती है। देखिए मर्द हो या औरत, वो वही भागता है जहां उसे खुशी मिलती है, और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बेड पर खुश करना जान जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसे सेटिस्फाइड करना है सेक्सुअल, तो उसका दिमाग किसी औरत की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। डॉक्टर मैं जानना चाहती हूँ, हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। सपना अपने पति या अपने पार्टनर के साथ प्यार तो बहुत जरूरी है, लेकिन सही ढंग से संभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। कोई भी अच्छा पति या मर्द
किसी औरत को ये बात नहीं कहता, इसीलिए पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी और इंटरकोर्स से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खुश नहीं है तो आपको और भी रोमांटिक होना पड़ेगा, रोमांटिक बातें करनी पड़ेंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें ये बताना होगा कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। और हाँ, अगर आप फोर प्ले करते हैं तो ये भी आपका बहुत मददगार होगा। फोर प्ले? ये फोर प्ले क्या होता है? अपने पार्टनर के गुप्त अंगों के साथ खेलना, उन्हें सहलाना, इसी को फोर प्ले कहते हैं, इंटरकोर्स करने से पहले का प्रोसीजर। डॉक्टर, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उनके साथ फोर प्ले करूं तो उन्हें अच्छा लगे? जी हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि उनको शायद ये पसंद ना आए, लेकिन फोर प्ले के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने पति के साथ बैठकर पॉर्न फिल्म्स भी देख सकती हैं, रोमांटिक बातें भी कर सकती हैं। उससे आपको उनकी बॉडी से अंदाजा होगा कि वो क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं, वो किस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो आप उसी चीज को ज्यादा कीजिए जिधर उनका ध्यान ज्यादा गया था, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो चीज आप बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, इस काम में आप उनके साथ सेक्सुअली बिल्कुल एंजॉय कीजिए। डॉक्टर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर हमने कभी खुल के बातें नहीं की। वाह, प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे प्यार का? अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। कभी कभी सपना जी, इन छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ओह माय गॉड, मैं इन सब से इतना अनजान थी। तुम्हें नहीं सपना, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, सब लोग इन बातों से अनजान हैं। मगर जो इन सब चीजों को जानती हैं, वो भी कभी इन सब चीजों पर अमल नहीं करती। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी ये सब बातें आपने ध्यान से सुनी होगी और आप इन सब चीजों पर अमल करेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आज से मेरी गुरु हैं। वेलकम। हाँ जी शुक्ला जी, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डायबिटीज का पेशेंट हूँ और इसके चलते मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे जिसके कारण आया है वो तो बताओ, आप तो अलग ही पाठ पढ़ने लगे। अरे मिसेस शुक्ला, क्या बात है बताइए, खुलकर नहीं बताएंगी तो मैं आपकी परेशानी को कैसे हल कर पाऊंगी? एक्चुअली मैडम, ये डायबिटीज के परेशानी से नहीं आए हैं, ये अपनी सेक्स लाइफ से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, देखिए मिस्टर शुक्ला, आप अकेले ही नहीं हैं, आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये तो अच्छा है कि आप यहाँ तक आ गए। एनीवेज, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज भी काफी हद तक सेक्सुअल लाइफ में अड़चने पैदा करती है, लेकिन समझना ये होगा कि आपकी परेशानी किस तरह की है। मगर इसका डायबिटीज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैडम, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको सेक्स लाइफ में परेशानी तो होती ही है, लेकिन परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है अगर उसके बारे में डिस्कस ना किया जाए। अच्छा एक बात बताइए शुक्ला जी, आप ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन तो नहीं लेते ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता। भाई मेरी इतनी अच्छी नौकरी है और इतनी अच्छी वाइफ है। और सेक्स लाइफ, उसके बारे में बताओ। अरे मैडम, 4-5 दिन से इनका तो बस। देखिए स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, और हाँ, एज के कारण, कम नींद लेने के कारण भी आपकी काम वासना में कमी आना संभव है। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ आपको चेंज लग रही है या फिर इंटरकोर्स में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है या फिर असंभव सा महसूस होता है तो इसमें हाई ब्लड ग्लूकोज भी हो सकता है और नर्व्स के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। डॉक्टर साहब, क्या ये डायबिटीज के कारण सेक्स लाइफ में सिर्फ पुरुषों को परेशानी होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इसका शिकार होती हैं। देखा गया है कि आजकल 75% पुरुष
और उनके साथ साथ 35% महिलाओं को भी ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैडम क्या उपाय है इस परेशानी से बचने का? उपाय है मिसेस शुक्ला, आप दोनों डायबिटीज रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे कि सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, और आप ये सब कंट्रोल बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंज लाने की, जैसे कि हाई ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना होगा, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होगा, और अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने होंगे, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है, मॉर्निंग वॉक पर जाना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब बहुत जरूरी है। और हाँ, अपने खाने में आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करें, इससे आपका फैट भी लूज होगा और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी सही हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहब आप इसे समझाएं, ये फालतू की टेंशन लेती रहती है, अरे आधी परेशानी तो यही है। शुक्ला जी प्लीज, मेरे स्ट्रेस लेने से इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मिसेस शुक्ला, आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं, और मिस्टर शुक्ला आप एकदम सही हैं यहाँ पर। स्ट्रेस लेने से सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम लें, यहाँ तक कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, तो आप 10 बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर कुछ हफ्तों तक सेक्स में रुचि कम रहती है तो उसका रीजन है डिप्रेशन और टेंशन। और हाँ, हम अपनी टेंशन और डिप्रेशन को योगा और मेडिटेशन के द्वारा भी सही कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप जान सकते हैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है मुझे। कुछ परेशानी होगी तो फिर हम आपको परेशान करेंगे। जी जरूर। हेलो रोहिता, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ डॉक्टर। क्या हुआ, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आया क्या? डॉक्टर पीरियड्स तो मंथ में एक बार ही हो रहा है, बट इरेगुलर है। हम बच्चा प्लान कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर देर से हो रहे हैं? वही तो पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर, कभी तो 18-20 दिन में स्टार्ट हो जाता है, कभी डेढ़ डेढ़ महीने तक नहीं हो पाता है। ओह हाँ, ये है तो काफी प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हाँ डॉक्टर, इसी उम्मीद में मैं आपके पास आई हूँ। ओव्यूलेशन कब होगा यही पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल, देखिए मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का फैक्ट है, और ओव्यूलेशन के बगैर आपको गर्भधारण नहीं हो सकता। अगर आपके पीरियड्स बहुत देर से आते हैं या फिर नहीं आते हैं या फिर इरेगुलर हैं, तो आपको गर्भधारण में भी प्रॉब्लम तो होगी। जिनके पीरियड्स एकदम नॉर्मल हैं, मतलब कि एक पीरियड के बाद 24 से 35 दिन के अंदर दूसरे पीरियड्स हो जाते हैं, तो उनके लिए अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है और वो प्रेगनेंसी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। पर डॉक्टर, तय समय पर ओव्यूलेशन नहीं हुआ और उसमें देरी हुई तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के लिए ओवरी से एग रिलीज होना जरूरी होता है, और वो ओव्यूलेशन के समय पर ही होता है। फिर ये एग फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है। जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एग का इंतज़ार कर रहा होता है वो सिर्फ 5 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए आपको अपने ओव्यूलेशन का समय पता होना चाहिए, तभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं और एग रिलीज ही नहीं हो पाता है, और बिना एग के प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। तो इरेगुलर पीरियड्स के दौरान ये पता कर पाना कि आप कब ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इरेगुलर पीरियड्स और ओव्यूलेशन के ना होने के क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर? देखिए कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड कंडीशन जो आपके ओव्यूलेशन में इंटरफेयर करते हैं, और दूसरी बड़ी वजह है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम
जो 5-10% महिलाओं में पाई जाती है। इससे भी आपको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और PCOS होने की स्थिति में महिलाओं को दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। PCOS के सिम्टम्स हैं इररेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स का ना होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, अचानक से मोटापा बढ़ जाना, हाई BP का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, स्किन ऑयली हो जाना, आपके शरीर के बालों का बढ़ना, आपके सर के बालों का झड़ना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली PCOS ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके सिम्टम्स का इलाज जरूर किया जा सकता है। तो या तो आप फर्टिलिटी क्लिनिक जाएं या फिर किसी गायनोकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। और तीसरी वजह है स्ट्रेस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रेस से दूर रहें, जितना हो सके अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताएं, उनसे बातें करें, सारी बातें उनसे शेयर करें। ओके, तो डॉक्टर मैं अपनी प्रेगनेंसी के चांस कैसे बढ़ा सकती हूँ? सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिसकी वजह से आपका हार्मोन लेवल बैलेंस में रहेगा और आपके इररेगुलर पीरियड्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे और आपके ओव्यूलेशन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से दूर रहें, अपना मोटापा ना बढ़ने दें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इस तरह की एक्सरसाइज। अपने ओव्यूलेशन पीरियड को नोट करें। ओव्यूलेशन हो रहा है इसको आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपकी योनि से कुछ पानी गिर रहा है तो वो सफ़ेद और गाढ़ा रंग का होना चाहिए। उस टाइम पे आपके ब्रेस्ट की टाइटनेस कम हो जाएगी, आपको थोड़ा टेम्परेचर होने लगेगा और आपके पेट में ऐठन आने लगेगी। और अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है तो आप मार्केट से ओव्यूलेशन टेस्ट किट ले सकती हैं। ये किस तरह का किट है? देखिए, जैसे मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है वैसे ही ओव्यूलेशन टेस्ट किट मिलती है, जिससे आप घर पर ही टेस्ट कर सकती हैं कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर आप ओव्यूलेट कर रही हैं तो उस हिसाब से आप बच्चा प्लान कर सकती हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कुछ जानना है तो जान सकते हैं। जी डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। जी कहिए, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी डॉक्टर, बबीता। हाँ तो कहिए बबीता जी, क्या परेशानी है? वैसे तो आपका फेस देखकर लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर साहब, मेरी अभी भी नई शादी हुई है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, मगर क्या डॉक्टर, मैं फिलहाल माँ नहीं बनना चाहती। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपके पति और आपके बीच की समझदारी की बात है। लेकिन डॉक्टर, अभी अभी हमारी शादी हुई है तो उनको मैं संभव के लिए मना भी नहीं कर सकती हूँ और मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, संभोग ना करने से ही प्रेगनेंसी को नहीं रोका जा सकता, बल्कि शारीरिक सुख लेते हुए भी आप प्रेगनेंसी पे कंट्रोल कर सकती हैं। वो कैसे डॉक्टर? आजकल कॉन्डम के बारे में किसको नहीं पता बबीता जी, लेकिन ताज्जुब होता है जब लोग बोलते हैं कि कॉन्डम के बारे में नहीं पता। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम नहीं आता, बल्कि कॉन्डम से STD इन्फेक्शन से भी रुका जा सकता है। डॉक्टर, इसके बारे में शायद मैंने अपनी फ्रेंड या नेट पे पढ़ा होगा। जी हाँ, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप पिल के साथ साथ कॉन्डम भी यूज करें। कई बार क्या होता है कि आप पिल लेना भूल जाते हैं तो उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। डॉक्टर, जो आपने पिल के बारे में बताया वो कभी भी ले सकते हैं या फिर सेक्स के समय? देखिए, पिल्स का सेक्स के टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बस आप रेगुलर एक ही समय पर लें। डॉक्टर, मेरी फ्रेंड बोलती है कि पीरियड के समय सेक्स किया जाए तो बच्चा नहीं हो सकता, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। काफी लोग समझते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए कभी भी सेफ समय नहीं होता। डॉक्टर, मेरे पति तो कोशिश करते हैं डिस्चार्ज से पहले ही बाहर। बबीता जी, संभोग के समय किसी का भी बस नहीं होता, मर्द के स्पर्म की एक बूंद ही काफी है प्रेग्नेंट होने के लिए।
इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स कभी भी भरोसेमंद नहीं होता प्रेगनेंसी को रोकने के। डॉक्टर मैंने सेफ पीरियड के बारे में सुना है, तो क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड के 8वें दिन से लेकर 21वें दिन के समय को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, यानी कि अनसेफ पीरियड, और इस समय में प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैडम ये डे कब से काउंट होगा? जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, आई मीन फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। तो क्या बाकी के दिन सेफ है? पीरियड साइकिल फर्स्ट डे से लेके और 7 डे 22 डे से लेके 28 डेज तक सेफ माने जाते हैं, लेकिन वो भी उस टाइम पर अगर आपके पीरियड सेम समय सेम डेट पर आते हैं, उसके बीच का समय बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। मैडम ये रेगुलर पीरियड साइकिल मतलब? अगर आपके पीरियड एग्जैक्टली 28 डेज के बाद होते हैं तो वो रेगुलर पीरियड बोले जाते हैं, लेकिन अगर 28 डेज के बाद बहुत ज्यादा समय निकल जाए तो उसको इरेगुलर पीरियड बोलते हैं। इस केस में सेफ पीरियड वाले रूल रिलायबल नहीं होते, मगर हाँ मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मैडम फोरप्ले से प्रेगनेंसी का चांस रहता है? जनरली फोरप्ले का प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके हस्बैंड का स्पर्म किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके वजाइना के संपर्क में ना आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। फ्यूचर में कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा हूँ मैं, और इसका असर जो है वो मेरे काम में भी दिखने लगा है, और जब घर जाता हूँ तो वाइफ के साथ भी। ये स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक होता है, इसका असर आपके शरीर पर, आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि रिलेशनशिप पर भी हो सकता है, और कभी कभी तो इसका इतना असर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे निजात पाने का कोई सरल उपाय? एक्चुअली काम के बिजी शेड्यूल की वजह से मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाता हूँ। स्ट्रेस से निजात पाने का एक बहुत ही सरल उपाय, संभोग। व्हाट? संभोग? संभोग का स्ट्रेस से क्या लेना देना डॉक्टर? चौंकिए मत, मैंने संभोग ही बोला है। सेक्स एंडोर्फिन्स और अन्य हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है और आपके मूड को भी एलिवेट करता है। मगर डॉक्टर जब संभोग से रुचि ही खत्म हो जाए तो फिर? हवाए ना आप सही पॉइंट पे, बस मैं यही जानना चाहती थी कि आप संभोग में रुचि ले रहे हैं या नहीं। तो क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? जी नहीं, ये तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप लोगों के दिमाग में ऑफिस का इतना प्रेशर होना या फिर अपने कलीग या बॉस के साथ अनबन हो जाना, तो उन सब चीजों को आप अपने दिमाग में बसा कर रखते हैं, और उसकी वजह से आप लोग अपना दिमाग कहीं और लगा ही नहीं पाते। बस यहीं से शुरू होती है इरेक्शन प्रॉब्लम, और इसी की वजह से आप संभोग में रुचि नहीं ले पाते, या फिर यूं कह लीजिए कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसके बाद अगर आप दोबारा कोशिश करते भी हैं तो सफल नहीं हो पाते। इसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जी हाँ, शायद मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने जो भी सिम्टम्स बताए हैं वो सब मेरे साथ हो रहा है डॉक्टर। सेक्सुअल एक्टिविटीज इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो ब्लड वेसल डायलेट नहीं हो पाते। स्ट्रेस हमेशा सीधे ढंग से मेटाबॉलिज्म पर असर करती है, जिसकी वजह से आप कभी कभी थकावा महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, या फिर बेवजह वेट बढ़ना, और वेट बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे बीमारियों को आमंत्रण करना। एक्चुअली डॉक्टर मैं जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ तो मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, तो कुछ हद तक स्ट्रेस तो कम हो जाता है, मगर सेक्सुअल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है डॉक्टर। पहले तो आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जब मर्द लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उसकी वजह से इरेक्शन में परेशानी होने लगती है, और अल्कोहल हमें डिहाइड्रेट भी करता है। डॉक्टर मैंने कहीं पढ़ा है कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स लेवल्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने।
और आप में भी कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स की ही कमी है। लेकिन आप अकेले ही इस परेशानी से परेशान नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। स्ट्रेसफुल जॉब और लंबे समय तक काम करने की वजह से डिक्रीज सेक्स ड्राइव कॉमन कंप्लेंट है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, कुछ चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर नींद लेना, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आपको ये परेशानी से निजात पाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, आप उपाय बताएं, मैं ज़रूर उनको अपनी जीवन शैली में शामिल करने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, बस यही सब शामिल करना है आपको। ये तो समझ में आ गया डॉक्टर, लेकिन आप भी जानते हो कि इतने ज़्यादा प्रेशर में रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऊपर से अपनी वाइफ को खुश करना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्ट्रेस की वजह से हम लोग अपने बाकी काम तो नहीं छोड़ सकते ना। कई बार तो स्ट्रेस की वजह से हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं या फिर संभोग के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। इसकी बजाय हम लोग अल्टरनेट टाइम ढूंढें। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आपका सोने का मन कर रहा है तो आप आराम से जाकर सो जाएं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। जब आपका और आपके पार्टनर का मन हो तभी संभोग करें, इसकी वजह से आपका शरीर भी बहुत रिलैक्स फील करेगा और आप अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाएं और अपने हैक्टिक शेड्यूल से निकलने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे जो भी सुझाव दिए हैं मैं ज़रूर उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, कभी भी कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। हेलो माया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। हरी, लेकिन चेहरे पर काफ़ी उदासी नज़र आ रही है, कुछ तो परेशानी है, बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर, सेक्स करने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की हो। अच्छा, तो इसका मतलब कि सेक्स आपकी मर्जी से ही होता है? जी, सेक्स मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर डॉक्टर ऑर्गेज्म के बाद मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। माया, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? जी, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या पता है आपके पार्टनर को आपकी उदासी के बारे में? डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर? नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी डिटेल में देती हूँ। देखिए, बहुत सारी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि एक अच्छे सेक्स के बाद डिप्रेशन या फिर उदासी हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में इसको पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया कहते हैं या फिर पोस्ट कोइटल ब्लूज। इसमें आपको ऑर्गेज्म के तुरंत बाद अकेलापन सा महसूस होने लगता है। किसी किसी को तो कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन किसी किसी को काफी समय तक रहता है। ओह गॉड। जी हाँ, 230 महिलाओं पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि कुछ महिलाएं सेक्स करने के बाद उदास हो जाती है। और आपको पता है कि कुछ महिलाएं तो सेक्स के बाद रोने भी लगती हैं, और ये होता है हार्मोनल शिफ्ट की वजह से। इसके कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती है और ना ही ये कोई बीमारी है कि आप इसे दवा लेके ठीक कर सकें। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप अपने मन और दिमाग में बिठा कर बैठ जाते हैं, जिसे आप भूलना चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके फर्स्ट टाइम के साथ जुड़ी हो। मतलब किसी भी तरह की घटना, चाहे कभी भी घटी हो, बचपन में भी? बिल्कुल, PCD एक तरीके का डिप्रेशन ही है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आपके दिमाग में घर कर लेती हैं, जिसे आप याद करना ही नहीं चाहते या फिर वो यादें आपको आती ही नहीं। लेकिन हार्मोनल शिफ्ट की वजह से वो यादें बाहर निकल कर आती हैं एक उदासी के तौर पर। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है, या फिर आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कर पाते हैं या नहीं। इसकी वजह भी PCD बन सकती है। तो फिर इसको कैसे दूर करूं डॉक्टर?
यहाँ आपके पार्टनर की बहुत अहम भूमिका है। डिप्रेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ लव और केयर से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक अच्छे सेक्स की जरूरत होती है, वैसे ही सेक्स के बाद आपके और आपके पार्टनर में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। सेक्स के तुरंत बाद अगर आपके पार्टनर ने आपको कडल किया है या फिर उसके बाद कुछ अच्छी और प्यारी बातें हो जाएं, तो भी आप पीसीडी से दूर हो सकते हैं। लवी डवी सिर्फ सेक्स से पहले ही जरूरी नहीं है, बल्कि सेक्स के बाद भी होना चाहिए। आप लोगों में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें और मन में कोई भी बात हो तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। आप अगर इन सब चीज़ों पर अमल करेंगी तो देखिए आपकी ये परेशानी कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आगे से इन सारी बातों का ख्याल रखूंगी। गुड। हेलो डॉक्टर। हेलो, बताइए क्या परेशानी है आपकी। डॉक्टर, मेरी पिछले साल ही शादी हुई है और मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल्दी है, बट कुछ 2-3 मंथ से मेरे पीरियड्स इरेगुलर है। ओके। और एक महीने में 3 बार पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है। तो क्या आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? दिखाया था डॉक्टर, पहली बार में दिखाया था, बट उन्होंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ मेडिसिन दिए। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन से? नहीं डॉक्टर, ब्लीडिंग तो वैसी की मतलब जैसी की वैसी है, इसलिए आपके पास आई हूँ। देखिए, महिलाओं में पीरियड्स प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो पीरियड्स के दौरान आपके यूट्रस से लाइनिंग निकल जाती है। महिलाओं में आमतौर पर 24 से 35 दिनों में पीरियड्स एक बार होता है, लेकिन अगर आपको 24 दिनों के अंदर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार हो रहा है तो इसे हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। डॉक्टर, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर अचानक से आपके वजन में बदलाव आने लगे, जैसे कि बढ़ जाए या फिर कम होने लगे, तो भी आपके हार्मोन लेवल में बदलाव आने लगते हैं जो आपके पीरियड्स पर इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर, मेरा वजन तो कुछ खास बढ़ा नहीं है, 1-2 किलो बढ़ा होगा। वजन बढ़ना या कम होना ही इसकी एक वजह नहीं है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस की कई और वजहें भी हो सकती हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर आपका घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि वो भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता है, तो उससे भी हार्मोन्स के लेवल में बदलाव आ सकते हैं। और भी कोई रीजन है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। आपके किसी फैमिली मैटर की वजह से अगर आपको स्ट्रेस है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी झगड़े की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपके दिमाग में स्ट्रेस भर देते हैं और इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स पर असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपके यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाएगी, जो आपके हैवी ब्लीडिंग का रीज़न बन सकती है। और अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो वो भी आपके पीरियड्स पर असर कर सकती है। बट कुछ और भी गंभीर रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके यूट्रस में पॉलिप्स, सिस्ट, फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर हो जाए तो आपको जल्द से जल्द जाकर डॉक्टर से चेकअप कराना होगा, क्योंकि कभी कभी ये ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेते हैं और फिर आप एसटीआई को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी तरीके की एसटीआई हो जाती है तो भी आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसे आमतौर पर महिलाएं पीरियड्स की ब्लीडिंग मान लेती हैं। तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए, अगर आपकी ब्लीडिंग स्ट्रेस की वजह से है या फिर वेट बढ़ने की वजह से है या फिर किसी दवाइयों की वजह से है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है और ये खुद पर खुद ठीक हो जाएगी। और दूसरे रीज़न को रूल आउट करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आपको पेल्विक जांच करानी होगी। इसके अलावा वो डॉक्टर आपके यूट्रस की लाइनिंग के कुछ सैंपल लेंगे टेस्ट के लिए और अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर नहीं है तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर होता है या इसके अलावा कुछ और होता है तो आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाएगा। और अगर कैंसर की स्थिति होती है तो उस स्थिति में आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। हाँ,
अगर आपको एसटीआई है तो किस तरीके का एसटीआई है ये जानने के बाद आपको मेडिसिंस दिए जाएंगे। देखिए बहुत कम केस में हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है जब महिला 40 उम्र के आसपास हो, तब आप आज ही जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से फुल चेकअप करा लें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। हेलो मिस्टर मेहता, आज मिसेस मेहता आपके साथ नहीं आई? नो डॉक्टर, एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं खुद ही आ गया। नो इश्यूज, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर, हम अपनी फैमिली बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए हम पिछले 1.5 साल से ट्राई भी कर रहे हैं, पर मेरी वाइफ का 2 बार मिसकैरेज भी हो चुका है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी वाइफ कभी माँ बन सकती है या नहीं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी वाइफ के जो 2 मिसकैरेज हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब पहला मिसकैरेज कब हुआ और दूसरा मिसकैरेज कब हुआ? डॉक्टर, मेरी वाइफ का पहला मिसकैरेज लगभग 8 महीने पहले हुआ और दूसरा मिसकैरेज 3 महीने पहले। देखिए मिस्टर मेहता, 20-30% नॉर्मल प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल जाती है, लेकिन ऐसा होने पर भविष्य में दूसरे मिसकैरेज की संभावनाएं 14% बढ़ जाती है। और अगर दूसरा मिसकैरेज हो जाता है तो तीसरा मिसकैरेज होने की संभावना 25-26% तक होती है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मिसकैरेज होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि अगर भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। और तो और 50% मिसकैरेज तो सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि बच्चों के क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब भ्रूण का बनना शुरू होता है तो क्रोमोसोम्स को बार बार डिवाइड होना पड़ता है, और अगर ये नॉर्मल तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। कुछ केस में महिलाओं का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो भी मिसकैरेज हो सकता है, जैसे कि अगर उनको डायबिटीज है या फिर उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है तब भी मिसकैरेज होता है। क्या डॉक्टर, हमने दूसरा बच्चा प्लान करने में कुछ जल्दबाजी कर दी? नहीं नहीं मिस्टर मेहता, देखिए कुछ स्टडीज से ये पता चला है कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप बच्चा प्लान करते हैं तो गर्भ से संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम होती है। और फिर आपने तो 5 महीने के बाद ट्राई किया, ये समय एकदम सही था। पर हाँ, दूसरी बार जो मिसकैरेज हुआ है उसके बाद कम से कम 8 वीक का टाइम लेना बहुत जरूरी है, इसमें आपकी वाइफ बहुत अच्छे से स्वस्थ हो पाएंगी, दोनों तरीके से, फिजिकली भी और इमोशनली। जी हाँ डॉक्टर, मेरी वाइफ मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और इसके लिए मुझे काफ़ी गिल्ट भी महसूस हो रहा है, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैंने इतनी जल्दी क्यों। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी मिस्टर मेहता। इस केस में कपल में देखा गया है कि एक तरीके की निराशा, दुख, दर्द और कुछ खो देने की तकलीफ होती ही है, लेकिन आपको अपनी वाइफ को मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से सहारा देना होगा, आप दोनों मिलकर ही इस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। तो डॉक्टर, हम फिर से बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए जैसे कि दूसरी बार मिसकैरेज हो चुका है इस लिहाज से पहले आपको अपनी वाइफ का चेकअप कराना चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि उनके हॉर्मोन्स या फिर इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और हाँ, आप दोनों के ब्लड टेस्ट करके क्रोमोसोम की भी जांच करनी होगी, और हाँ, आपके डॉक्टर इस बात की भी जांच करेंगे कि कहीं यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी जांच करने के बाद ही आपको सलाह दी जाएगी कि आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओके, तो मतलब जांच से पहले ये पता नहीं किया जा सकता है ना? देखिए मिस्टर मेहता, आमतौर पर मिसकैरेज के 2 हफ्ते तक संभोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइफ को वक्त चाहिए रिकवर होने के लिए, और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उनके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि आप लोग रेडी हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आगे बढ़ें। इस बीच में आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लेकर आइए, क्योंकि आपकी वाइफ को इस समय पर बहुत सारे विटामिन्स और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होगी, तो उनके खाने में हरी सब्जियां, अंकुरित चीज़ें जैसे कि चना, मूंग, बीन्स इत्यादि शामिल करें।
स्मोकिंग से दूर रहें, ड्रिंक नहीं करें। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उसकी भी एक लिमिट रखें। अपनी वाइफ को वॉक पर लेकर जाएं, उन्हें खुश रखें, फिर देखिए कि आप कैसे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखते हैं। जी डॉक्टर, तो मैं अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। वेलकम, ऑल द बेस्ट। जी दामिनी जी, कहिए क्या है आपकी प्रॉब्लम? मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ ही महीनों में शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मगर डॉक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मतलब? खुलकर बताइए, क्या परेशानी है, क्या ठीक नहीं लग रहा है? मुझे पता नहीं कि ये सब बताने का सही टाइम है या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आपके पास चली आई। आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप मेरे पास चली आई। लेकिन जब तक आप अपनी परेशानी को बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा? आप अपनी परेशानी बताइए, हम कुछ ना कुछ सलूशन जरूर निकालेंगे। और अगर आप अपनी परेशानी को नहीं बताएंगी, अंदर ही अंदर दबा कर रखेंगी, तो परेशानी कम होने की जगह बढ़ सकती है। डॉक्टर, मुझे शक था कि मेरे होने वाले पति का किसी और से अफेयर चल रहा है। मैंने इस पर खोजबीन भी करी, बाद में पता चला कि उसका उससे बहुत ही बड़ी उम्र की किसी डिवोर्सी के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके परिवार वालों को इसकी जानकारी है? नहीं डॉक्टर, वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा लड़का है और मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो दामिनी, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी कि तुम उससे शादी करो या ना करो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन हाँ, हम इस लड़के को सही रास्ते पर ला सकते हैं। वो कैसे डॉक्टर? देखिए दामिनी जी, जब भी कोई मर्द अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ सेक्स करता है तो वो उसे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट सेक्स समझकर याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है कुछ जरूरी बातें जानने की। क्या जानने की जरूरत है दामिनी? इट्स ए नंबर गेम। तुम्हारे होने वाले पति जिस महिला के साथ अफेयर में पड़े हुए हैं, ये तो तुम जानती ही हो कि वो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ी हैं। और ये भी जाहिर सी बात है कि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। बट डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं, कुंवारी लड़कियों को सारी नॉलेज होती है, मुझे भी तो सब मालूम है। ऑफकोर्स मालूम होगा, लेकिन जिन औरतों की बात हम लोग कर रहे हैं उन्हें हम कॉगर्स कहते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा होता है। एक तो उनका मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस और उसके बाद उनका अलग अलग पार्टनर के साथ अफेयर वाला एक्सपीरियंस। उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होता है कि बिना कुछ किए ही मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया जाए। और वो लोग कभी भी किसी भी बात को करने में शर्माती भी नहीं है। मगर डॉक्टर, ये सब खुलकर बताना कहाँ संभव है? अगर बता दिया तो इसका उल्टा रिएक्शन भी तो हो सकता है। अगर लड़कियां बताएंगी नहीं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो कैसे मालूम करेंगे मर्द? बस यही तो मार खा जाती है हमारे समाज की लड़की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन औरतों को एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या चाहती है और मर्दों को कैसे लुभाया जाता है। तो क्या डॉक्टर, हमें ये रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे होने वाले पति को क्या पसंद है और क्या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मालूम करना होगा। आपको पता है कि ओल्ड एज की वुमन अपने बॉयफ्रेंड के स्पेसिफिक डिज़ायर को मालूम करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती हैं। यहाँ तक कि वो बुक्स पढ़ती हैं, मूवीज देखती हैं और इंटरनेट तक से जानकारी हासिल करती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ सेक्स इंजॉय करती हैं। और उनका कोई हिडन एजेंडा भी नहीं होता, उनको ये डर नहीं होता कि हमारा पार्टनर कल को किसी और के साथ घर बसा लेगा, या फिर वो उनके साथ घर बसाने के लिए कभी जिद भी नहीं करती। उनका पार्टनर भी एकदम फ्री माइंड रहता है और उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और वो ना ही नीडी होती हैं और ना ही डिमांडिंग होती हैं। ज़्यादातर यंग लड़कियाँ बेड पर सेल्फ कॉन्शियस होती हैं और यहाँ तक कि डर्टी टॉकिंग में भी वो अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं। लेकिन इस बात को उनके पार्टनर उन्हें महसूस नहीं कराते,
लेकिन उनसे दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और वहीं वो महिलाएं अपने कपड़े तक उतारने में भी कंफर्टेबल होती हैं। अच्छा एक बात बताओ दामू, क्या आप लोगों के बीच कभी कोई झगड़ा होता है? मतलब फ़ोन पर बात ना करना, फ़ोन पिक नहीं करना, या मिलने बुलाने पर मिलने ना जाना, कुछ भी? जी वो तो होता ही रहता है, जब तक झगड़ा ना हो तब तक खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, पता है आपको? ओल्ड एज वूमन कभी भी अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम नहीं खेलती है। मतलब कि जैसे फ़ोन का आंसर ना करना, या फिर रेस्टोरेंट होटल या बार में अपने पार्टनर के फर्स्ट मूव का इंतज़ार करना। वो लोग तो अपने रिलेशनशिप को लेकर एकदम क्लियर रहती हैं, वो बेझिझक सेक्सुअल रिलेशन के बारे में भी खुलकर बातें करती हैं, और वो कभी भी अपने पार्टनर को ये भी महसूस नहीं होने देती कि अगर वो चला जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा। मगर डॉक्टर, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे मेरा प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगा? आप अभी तक नहीं समझी दामिनी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, आप उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। ओके डॉक्टर, अब समझी। अब यही रूल मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। बिल्कुल, और खुशहाल भी रहोगी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। लेकिन आप अगली बार जब भी आओगी तो मोतीचूर के लड्डू लाना मत भूलना। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ तो आप हैं मिस्टर राहुल? जी डॉक्टर। कहिए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर अरे शर्माइए मत, डॉक्टर को अपना दोस्त समझकर हर बात बता दीजिए। तो प्लीज बताइए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर, अगले वीक मेरी शादी है, तो शादी के बाद सुहाग रात में सेक्स कैसे करते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ बताया है, बस उतना ही जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ये भी बताया है कि हर मर्द हर औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसमें कितनी सच्चाई है प्लीज। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सलाह लेने के लिए, वरना आप जैसे कई नौजवान इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और किसी से सलाह तक नहीं ले पाते। देखिए मिस्टर राहुल, लोग सेक्स तो कर लेते हैं लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो डॉक्टर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मिस्टर राहुल, ये बात मैं कई बार काफी लोगों को समझा चुकी हूँ कि सेक्स कोई हार या जीत का खेल नहीं है, इसे काम की तरीके से लेकर जल्दी खत्म करने की कोशिश में मत रहिए, बल्कि इसे आनंद के साथ कीजिए, जैसे हम लोग खाना बड़े आनंद के साथ खाते हैं, वैसे ही हमें संभोग भी बड़े आनंद के साथ ही करना चाहिए। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ना बहुत जरूरी है, उसकी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। संभोग का तरीका नहीं बदलता लेकिन अपने मूड में बदलाव जरूर लाना चाहिए। संभोग कभी पुराना नहीं होता, आप जब भी संभोग करो तो ऐसा महसूस करो कि जैसे आप पहली बार कर रहे हो, वही प्यार, वही नजाकत, वही मूड, वही सब कुछ। डॉक्टर मुझे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ मिस्टर राहुल, अब जरूरी नहीं कि हर इंसान को हर बात मालूम हो। अच्छा डॉक्टर ये जी स्पॉट क्या होता है? मतलब मेरे दोस्तों ने इसके बारे में मुझे बताया था, पर मैं थोड़ा बारीकी से जानना चाहता हूँ कि क्या होता है ये जी स्पॉट। के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, ये वजाइनल कैनल के 2 इंच ऊपरी वाली वॉल पर होता है, और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि ये स्पंजी होता है, मतलब एक छोटे से सिक्के के बराबर, लेकिन इसको महसूस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो डॉक्टर अगर हम इसे महसूस नहीं कर पाए तो फिर क्या करना होगा? जी स्पॉट को मालूम करना मुश्किल तो है लेकिन उतना असंभव भी नहीं। अगर आप ढूंढने में नाकामयाब हो भी जाते हैं तो फोरप्ले के दौरान अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं।
डॉक्टर ये फोर प्ले क्या होता है? फोर प्ले मतलब इंटरकोर्स से पहले का प्रोसेस, जैसे अपने साथी को चूमना, उनके गुप्त अंगों को सहलाना और यहाँ तक कि मसाज भी देना। ये आपके पार्टनर को उत्तेजित करने में आपकी मदद करेगा। और हाँ, महिलाओं के बालों को खींचकर भी उनकी कामवासना को बढ़ाया जा सकता है। मगर डॉक्टर, सेक्स में हेयर पुलिंग से इनका क्या संबंध मेल जोल है? देखो राहुल, हमारे सर पे बहुत सारी नसें होती हैं और जब एक महिला उत्तेजित होती है तो वो नसें और भी सेंसिटिव हो जाती हैं। इसी के कारण औरतों के बालों के साथ खेलना चाहिए, उसकी वजह से औरतें और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उत्तेजित हुई कि नहीं? मतलब क्या मुझे उससे पूछना पड़ेगा? मिस्टर राहुल, बेड पर कोई भी बात पूछी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जब एक महिला उत्तेजित होती है तो उसका पता आसानी से चल जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी बॉडी में कसाव आने लगता है। उस वक्त महिलाएं आक्रामक रूप में दिखती हैं और उस सिचुएशन में वो लोग अपने नाखून तक यूज करती हैं। डॉक्टर, अगर हम हर तरह की कोशिश करते हैं फिर भी लड़की अगर उत्तेजित ना हो फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दो टेस्ट करने होंगे और इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कहीं वो फिजिटिटी की शिकार तो नहीं है। डॉक्टर, ज्यादातर फिल्मों में मैंने देखा है मर्द ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो हमारे रियल लाइफ में भी क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही। अरे, अपने पार्टनर के सामने एग्रेसिव होना तो और भी अच्छी बात है, तभी तो आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अब ये सारी बात ना मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा, लेकिन आपने जो ये कदम उठाकर इतना अच्छा काम किया है ये काबिले तारीफ है। बल्कि तुमने शादी से पहले ये सलाह लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। औरत या आदमी दोनों को सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सच्चाई है। कई बार तो इस सच्चाई को ना जानने की वजह से लोगों के घर तक खराब हो जाते हैं, लेकिन आप एकदम सही समय पर आए। खैर, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं डॉक्टर, थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, शायद इससे मेरे आने वाले जीवन में कुछ अच्छा। बिल्कुल अच्छा, वेलकम। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।